युग अपने पापा की आवाज सुनकर हक्का बक्का हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। युग के पिता की फिर आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, ओ युग बेटा। युग सोचने लग जाता है, पापा की आवाज कैसे आ सकती है, पापा तो 13 साल पहले ही गुजर चुके हैं, जरूर कुछ और बात है। युग उसके पास ही जमीन पर सो रहे कायर को उठाने लग जाता है। युग कायर को उठाते हुए कहता है, कायर, ओ कायर, उठ यार। कायर इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो नहीं उठ रहा था। कायर के ना उठने पर युग अभिमन्यु को उठाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए कहता है, अभिमन्यु, ओ अभिमन्यु, उठ भाई, उठना यार। इसलिए कहता हूँ कि इंसान को इतनी नहीं पीनी चाहिए कि कुछ होश ही ना रहे। कायर और अभिमन्यु के ना उठने के बाद युग कछुए को उठाने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता था जब वो दोनों ही नहीं उठे तो कछुआ क्या उठेगा। युग के पिता की फिर आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, हो युग बेटा, ऊपर आओ बेटा। युग खुद से कहता है, ये आवाज तो ऊपर वाले कमरे से आ रही है, पर ऊपर तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज ऊपर से कैसे आ सकती है, कहीं घर के अंदर कोई चोर वोर तो नहीं घुस गए। नहीं नहीं, अगर चोर घुसते तो वो पापा की आवाज में बात नहीं करते ना, और ना ही मेरा नाम लेते, जरूर कुछ और बात है और इसका पता लगाना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर युग धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर जाने लग जाता है। जैसे जैसे युग सीढ़ियां चढ़ते जा रहा था, उसके पिता की आवाज तेज होते जा रही थी। आवाज का पीछा करते करते युग उसी कमरे के सामने आकर खड़ा हो गया था जिस कमरे के अंदर यक्षिणी कैद थी। कोठी में लाइट नहीं थी जिस कारण चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पर दरवाजे के ऊपर बना शैतान का नंबर 666 लाल रंग में चमक रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी किसी ने अपने खून से लिखा हो। युग दरवाजे के सामने खड़ा ही था कि तभी उसे फिर से उसके पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, तुम आ गए, मुझे पता था तुम मुझे मुक्ति दिलाने जरूर आओगे। मैं इतना अभागा बाप हूँ कि अपने बेटे का चेहरा आखिरी बार तक नहीं देख पाया। अपने पिता की आवाज सुनकर युग भावुक हो जाता है और वो भी रोने लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे। युग के पिता की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरी लाश यही अंदर है बेटा, मेरी लाश का अंतिम संस्कार करके मुझे मुक्ति दिला दो बेटा, मेरी लाश को बाहर निकालो, दरवाजा खोलो युग बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग पूरी तरह भावनाओं में बह चुका था। उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि कमरे के अंदर यक्षिणी कैद है। युग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं मुक्ति दिलाऊंगा पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ये सब हटा देता हूँ। युग दरवाजे पर लगे ताबीज को हटाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। युग जैसे ही ताबीज को छूता है, कोई उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। अचानक किसी को अपना हाथ पकड़ते देख युग डर जाता है, और जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जिसने अपने एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च पकड़ा हुआ था तो दूसरे हाथ में युग का हाथ। अभिमन्यु हैरानी के साथ युग से पूछता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और ये तू क्या करने जा रहा था, तुझे पता है ना इस कमरे में यक्षिणी कैद है, फिर भी इसे खोलने जा रहा था। युग अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू आ गया, अच्छा हुआ तू आ गया, तुझे पता है इस कमरे में मेरे पापा की लाश है, और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालूं और उन्हें मुक्ति दिलवा दूं। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी अपने पापा की आवाज सुनी। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार पीकर हम तीनों ने रखी है और चढ़ तुझे रही है। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा, मेरी लाश को निकालो यहाँ से, दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की आवाज सुनकर अभिमन्यु के भी होश उड़ जाते हैं। उसने जितनी विस्की पी रखी थी सारी एक बार में ही उतर जाती है। अभिमन्यु डरते हुए कहता है, यार
तू तो सच कह रहा था, आवाज सच में सुनाई दे रही है, मुझे भी दी। वही तो कह रहा हूँ यार, और आवाज इस दरवाजे के पीछे से आ रही है। पर इस कमरे में तो यक्षिणी है ना। युग और अभिमन्यु के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करे। दोनों एक दूसरे की सूरत घूरते जा रहे थे, दोनों डर के मारे पसीने से लथपथ हो गए थे। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा, युग बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। अपने पिता की आवाज सुनकर युग फिर भावुक हो जाता है और अभिमन्यु से कहता है, यार पापा आवाज दे रहे हैं, मुझे दरवाजा खोलना पड़ेगा, उनकी लाश को बाहर निकालना पड़ेगा और उन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, नहीं युग, वो तेरे पापा की आवाज नहीं है। नहीं अभिमन्यु, वो मेरे पापा ही है, मैं अपने पापा की आवाज पहचान सकता हूँ। यार अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, ये यक्षिणी की आवाज है जो तेरे पापा की आवाज निकाल रही है ताकि तू ये दरवाजा खोल दे और वो आजाद हो जाए। नहीं अभिमन्यु, ये यक्षिणी वक्षिणी नहीं है, ये मेरे पापा की आवाज है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी लाश निकालकर उनका अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला दूं। योग, ये यक्षिणी की एक चाल है, समझ मेरी बात को, मैं तुझे बताता हूँ। आत्माएं ज्यादातर वही बात दोहराती है जो काम उन्हें अपने शिकार से करवाना होता है। और तूने एक बात नोटिस की कि जब से तेरे पापा की आवाज आ रही है वो एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, और वो ये है कि युग बेटा दरवाजा खोलो, युग बेटा दरवाजा खोलो, क्योंकि वो तेरे पापा नहीं यक्षिणी है, वो चाहती है तू दरवाजा खोले और वो बाहर निकले। नहीं अभिमन्यु, वो यक्षिणी नहीं है, वो मेरे पापा की आवाज है, वो चाहते हैं कि मैं दरवाजा खोलकर उनकी लाश बाहर निकालूं। फिर युग के पिता की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा दरवाजा खोलो बेटा। युग के पिता की इतनी सी आवाज सुनाई ही दी थी कि फिर अंदर से कोई दरवाजा ठोकने लग जाता है, कोई अंदर से जोरों से दरवाजा ठोक रहा था। दरवाजा हिलता हुआ देखकर अभिमन्यु डर जाता है और डरते हुए कहता है, देख योग, यहाँ पर रुकना ना ठीक नहीं है, मैंने पहले ही कहा था जहाँ पर आत्माएं होती है वहां पर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वरना उनकी उत्तेजना बढ़ जाती है, ये सब उसी का असर है, हमें यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए, चल मेरे साथ नीचे चल। अभिमन्यु लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रहा था पर युग पर उसकी बातों का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। युग अपने पिता की आवाज सुनकर इतना भावुक हो गया था कि वो भूल गया था कि क्या सही है और क्या गलत। युग के कानों में बार बार उसके पिता की आवाजें गूंज जा रही थी, युग बेटा दरवाजा खोलो, युग बेटा दरवाजा खोलो। युग दरवाजे पर लटक रहे ताले को अपने हाथ में पकड़ता है और उस पर बंधे अलग अलग धर्मों के ताबीज और लाल कपड़ा हटाने लग जाता है। अभिमन्यु युग को रोकते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है युग, रुक जा, ऐसा मत कर, वरना तू सोच भी नहीं सकता क्या हो जाएगा। अभिमन्यु के समझाने पर भी युग नहीं समझता और वो सारे ताबीज दरवाजे से निकाल कर फेंक देता है। अभिमन्यु हकलाते हुए कहता है, ये क्या किया तूने युग, तुझे जरा भी अंदाजा है अब क्या अनर्थ होगा। युग ने ताबीज तो निकाल दिए थे पर उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो ताला कैसे तोड़े। ताला तोड़ने के लिए युग अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है जिससे वो ताला तोड़ सके। अभिमन्यु फिर युग को समझाते हुए कहता है, रुक जा युग, अभी भी वक्त है, दरवाजा खोलने की जिद छोड़ दे, ये सब ठीक नहीं है, ये तू क्या ढूंढ रहा है, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे। युग अभिमन्यु की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर अभिमन्यु हो ही ना, सिर्फ युग अकेला हो। युग को फर्श पर ही एक हथौड़ा पड़ा मिल जाता है, वो उसे उठाकर दरवाजे के पास जाने लग जाता है। युग को दरवाजे के पास जाता देखकर अभिमन्यु समझ जाता है कि वो हथौड़े से ताला तोड़ने जा रहा है, इसलिए अभिमन्यु उससे पहले ही दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाता है और युग को रोकते हुए कहता है, नहीं युग, मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। युग गुस्से में कहता है, देख अभिमन्यु, मेरे सामने से हट जा
वरना मुझे भी नहीं पता आज मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। मुझे दरवाजा खोलने दे, समझा? नहीं युग, मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। अगर दरवाजा खुल गया ना तो यक्षिणी बाहर आ जाएगी, और यदि एक बार यक्षिणी बाहर आ गई तो फिर सब बर्बाद हो जाएगा। गांव में फिर से मर्दों के शिकार होने शुरू हो जाएंगे। युग अभिमन्यु को हथौड़ा दिखाते हुए कहता है, देख अभिमन्यु, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हट जा मेरे सामने से, वरना। अभिमन्यु भी गुस्से से कहता है, वरना क्या योग, ये हथौड़ा तू मुझ पर मारेगा? मारना है तो मार दे, पर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं हटने वाला, मैं तुझे ये दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। युग जानता था कि अभिमन्यु बचपन से ही बहुत जिद्दी है और वो दरवाजे के सामने से नहीं हटने वाला, इसलिए वो अभिमन्यु को दरवाजे के सामने से हटाने की दूसरी तरकीब सोचने लग जाता है और कहता है, अभिमन्यु, उस दिन जब तू मुझे काला झाड़ी जंगल में मिला था तो तू अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर से भूत को खोज रहा था ना? अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, हाँ तो तू ये सब बातें अभी क्यों कर रहा है? युग प्यार से अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, तो यार भूत पकड़ने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा तुझे? देख, तुझे भी पता है और मुझे भी कि अंदर कुछ ना कुछ तो है, और तू तो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। अगर तू ही डरने लग गया तो कैसे चलेगा? जरा सोच के देख, अगर मैंने ये दरवाजा खोल भी दिया और कुछ हुआ भी तो तू उसे पकड़ सकता है ना? आखिर तू एक सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है। युग, मैं ना भूतों को खोजता और पकड़ता हूँ, यक्षिणी को नहीं, समझा? ये भूत और यक्षिणी में बहुत फर्क होता है। यक्षिणी दूसरे लोक से आई है, उसे काबू में करना मेरे बस की बात नहीं है। युग गुस्सा करते हुए कहता है, एक बात बता, तू सच में पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट है ना? कहीं झूठ मूठ की डींगे तो नहीं आता? मुझे तो लगता है तुझे वो पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने ना धक्के मार के निकाल दिया होगा तेरे इस डर के कारण, तभी तो तू यहाँ पर आया है। डरपोक कहीं का, अगर ऐसे ही चलते रहा ना तो तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। देख योग, तुझे जो बोलना है ना बोल ले, पर मैं तुझे दरवाजा नहीं खोलने दूंगा। तू चुपचाप हथौड़ा मुझे दे दे, वरना मैं नीचे जाकर कायर और कछुए को भी उठा दूंगा, और फिर वो दोनों तेरी इस हरकत के लिए तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ना ही तेरे स्टार्टअप में तेरी कोई मदद करेंगे। युग समझ जाता है कि अभिमन्यु उसकी बातों में नहीं फंसने वाला, इसलिए वो हथौड़ा अभिमन्यु के हाथों में दे देता है। हथौड़ा हाथ में पकड़ते ही अभिमन्यु के कानों में युग की कड़वी बातें गूंजने लग जाती है, तुझे भगा दिया होगा पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों ने, धक्के मार के निकाल दिया होगा, तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अचानक से अभिमन्यु के हाथ पैर गुस्से के कारण फूलने लग जाते हैं, उसके हाथों की नसें दिखने लग जाती थी, गुस्से के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। पता नहीं अभिमन्यु के मन में क्या आता है कि अगले ही पल वो अपनी पूरी जान से हथौड़े से ताले के ऊपर वार कर देता है और ताला फट से टूट जाता है। ताले के टूटते ही कुछ देर पहले अंदर से जो दरवाजा ठोकने की आवाज आ रही थी वो बंद हो गई थी। अचानक से चारों तरफ खामोशी छा गई थी। ताला टूटते हुए देखकर युग खुश हो गया था। होता भी कैसे नहीं, उसे कमरे के अंदर से उसके पिता की लाश बाहर जो निकालनी थी। अभिमन्यु दरवाजे पर का ताला हटा देता है और उसकी कुंडी खोल देता है। युग और अभिमन्यु दोनों मिलकर दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके अंदर से बदबू आने लग जाती है। वो बदबू ऐसी थी जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है। अभिमन्यु अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहता है, इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है यार। युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और सीधे कमरे के अंदर घुस जाता है। अभिमन्यु भी युग के पीछे पीछे कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा छाया हुआ था जिस कारण ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु के मोबाइल का टॉर्च भी बार बार बंद चालू हो रहा था। पता नहीं ये कैसे हो रहा था, शायद ये सब कमरे में मौजूद अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा था। जैसे जैसे वो दोनों कमरे के अंदर घुसे जा रहे थे बदबू और बढ़ते जा रही थी। वो बदबू उनके नाक के नथुनों में पूरी तरह घुस चुकी थी।
जलती बुझती रोशनी में अभिमन्यु कमरे में अभी तक बस यही देख पाया था कि कमरे में जगह जगह मकड़ी के जाल बने हुए थे और कई सारी किताबें थी। टेबल के ऊपर एक सफेद टाइपराइटर रखा हुआ था जिस पर अभी किसी का सूखा हुआ खून गिरा था। उस टाइपराइटर को देखकर तो अभिमन्यु की जान हालत में ही आ गई थी। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी। युग उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, पापा कहाँ पर है आप? देखे ना, मैं आ गया। आप मुझे आवाज लगा रहे थे ना पापा? अभिमन्यु दबी हुई आवाज में युग के पैर पर धीरे से लात मारते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, किसे आवाज लगा रहा है? युग अभिमन्यु की बात का कुछ जवाब नहीं देता और फिर से अपने पापा को आवाज लगाते हुए कहता है, पापा कहाँ है आप? युग ने इतना ही कहा था कि तभी एक औरत की भिन्नाती हुई आवाज सुनाई देती है, पापा नहीं यक्षिणी बेटा। ये आवाज सुनकर युग और अभिमन्यु दोनों दंग हो गए थे। युग हकलाते हुए कहता है, कौन? औरत की आवाज सुनाई देती है, ना सुनते ही अभिमन्यु फटाक से युग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, युग भाग यहाँ से वरना दोनों मारे जाएंगे। युग और अभिमन्यु दोनों दरवाजे की ओर भागने लग जाते हैं। औरत की आवाज सुनाई देती है, रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको। युग और अभिमन्यु जितनी तेजी से कमरे से बाहर निकल सकते थे निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही दोनों सबसे पहले फटाक से दरवाजा वापस से लगा देते हैं। दरवाजे की कुंडी लगाने के बाद दोनों दरवाजे के नीचे बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लग जाते हैं। अभिमन्यु हांफते हुए कहता है, यार युग, क्या तूने भी अंदर वही आवाजें सुनी जो मैंने सुनी? युग भी हाँफते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, किसी औरत की आवाज से। तू तो सच कह रहा था यार, वो मेरे पापा की आवाज नहीं थी। सॉरी यार, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। गलती तो मुझसे भी हुई है, आखिर भूत पकड़ने के चक्कर में ताला तो मैंने ही तोड़ा था ना, मैं ही तो थॉर बन रहा था। क्या वो यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकल गई? तूने उसे बाहर निकलते हुए देखा? यार कुछ कह नहीं सकते, आत्माएं अदृश्य होती है, उनकी जिससे मर्जी होती है वही उन्हें देख पाते हैं। क्या फिर कोई तरीका नहीं है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे से बाहर निकली या नहीं? एक तरीका है, क्या? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया था। युग अभिमन्यु को हिलाते हुए पूछता है, अरे कहाँ खो गया? बताना क्या तरीका है पता करने का कि यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या बाहर निकल गई? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युग, यक्षिणी इस कमरे के अंदर कैद है या नहीं, इस बात का पता हमें खुद ब खुद 6 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा को पता चल जाएगा, जब यक्षिणी किसी को अपना शिकार बनाएगी। युग अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू पागल हो रहा है क्या? तू क्या चाहता है कि हम किसी के मरने का इंतजार करें? तुझे नहीं पता अपनों को खोने का क्या गम होता है? अगर परिवार के एक मेंबर को कुछ भी हो जाता है ना, तो पूरा परिवार बिखर जाता है। अभिमन्यु उदासी के साथ कहता है, सॉरी यार, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर तू ही बताना क्या करे। यार कुछ सोचना पड़ेगा। क्या तूने किसी साये को कमरे से बाहर निकलते देखा था? नहीं यार, अंधेरा इतना ज्यादा था कि क्या बताऊं। मुझे तो अभी भी तेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा, और जितना मैंने इस भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च की है, उस हिसाब से आत्माएं उन्हें ही दिखती है जिन्हें वो दिखना चाहती है, या फिर जिनकी राशि भारी या कोई दोष होता है। और हाँ, एक और चीज, मैंने ये भी पढ़ा है कि जिस जगह पर आत्माएं कैद होती है
यानी जहाँ पर उन्हें बांध कर रखा जाता है, यदि आप उस जगह के साथ छेड़छाड़ कर दे या फिर वहाँ की कोई चीज छू ले तो वहाँ की आत्माएं बंधन से मुक्त हो जाती है। युग अपने हाथ की मुट्ठी खोलते हुए कहता है, ये देख। जब अभिमन्यु युग के हाथ की तरफ देखता है तो बौखला जाता है। युग के हाथ में एक बहुत ही पुराना काले रंग का पेन था। अभिमन्यु अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये तूने कब उठा लिया? यार, वो जब हम भाग रहे थे ना, तो पता नहीं कब ये मेरे हाथ में आ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथों में थमा दिया हो। क्या बात कर रहे है? हाँ यार, वैसे अभी तू ये सब छोड़ और ये बता कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम 100% कंफर्म हो जाए कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार एक और तरीका है। अगर पहले की तरह कोई घटिया सा आइडिया हुआ ना तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं भाई, पहले मेरा आइडिया तो सुन ले। हाँ बोल। हमारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी संस्था में बहुत सारे कोर्स होते हैं जिसके अंदर हमें भूतों का पता कैसे लगाया जाता है, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है, उनके साथ संपर्क कैसे साधा जाता है, ये सब सिखाया जाता है। मेरे पास बहुत सारे भूतों को पकड़ने के डिवाइस और टेक्निक है। अगर हम उनको यूज करें तो पता लगा सकते हैं कि यक्षिणी अंदर कैद है या नहीं। वो यंत्र काम तो करते हैं ना, तेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर डिवाइस की तरह खराब तो नहीं है ना? नहीं भाई, सब ठीक है, बस कल घर से लाना पड़ेगा वो सब। ठीक है फिर, कल जैसे ही सुबह होगी पहली फुर्सत में वो डिवाइस ले आना। अभिमन्यु कहता कुछ नहीं, बस हैरानी के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके युग को घूरने लग जाता है। युग ये बात नोटिस कर लेता है और अभिमन्यु को टोकते हुए कहता है, ये तो मुझे ऐसे पागलों की तरह क्यों घूर रहा है? तू ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू तो ठीक है ना? हाँ क्यों, मुझे क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कल जब तू आया था तो ये भूत वूत पर यकीन नहीं करता था, और अब देखो मुझे ये पता करने के लिए बोल रहा है कि यक्षिणी कैद से कहीं बाहर तो नहीं निकली। यार किसी ने कहा है ना, जब खुद पर बीतती है तभी पता चलता है। बस वही कहानी मेरे साथ हुई है। तुझे पता है ये सब कांड होने से पहले मुझे मेरे पापा मेरे सपने में दिखे थे, जब वो मुझे पहली और आखिरी बार बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आए थे, और जब मैं नींद से उठा तो मुझे उनकी आवाजें सुनाई देने लग गई। मैं समझ गया ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जब ऊपर पहुंचा तो ये सब कांड होने लगा और तू आ गया। यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यक्षिणी कितनी शक्तिशाली है, वो हमारे सपने तक देख सकती है और उस चीज का फायदा उठा सकती है। या शक्तिशाली कैसे नहीं होगी, सिर्फ एक डायन की ही नहीं बल्कि दैवीय शक्तियां भी है उसके पास। भूल मत, वो दूसरे लोक से आई है। हाँ यार ये भी तो है, ये कुछ सोचते हुए कहता है। और तू मुझे एक बात बता, जब मैं ताला तोड़ने वाला था तो तूने मुझे मना कर दिया, पर खुद मेरे हाथों से हथौड़ा लेकर वो ताला तोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था तुझे कि एकदम से ताला तोड़ दिया? ये सब तेरे तानों की वजह से हुआ है। क्या कहा? मेरे तानों की वजह से? हाँ यार, तुझे पता है मैं यहाँ पर अपनी छुट्टी मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि पैरानॉर्मल संस्था वालों ने मुझे निकाल दिया है। युग अपना गला फाड़ते हुए कहता है, क्या? पर क्यों? अभिमन्यु हिचकिचाते हुए कहता है, यार वो बात ये है कि। अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे ताबीजों पर पड़ती है और वो बात को बदलते हुए कहता है, यार हमें ना ये सब ताबीज और लाल कपड़ा वगैरह सब उठा लेना चाहिए और इस दरवाजे को वैसे ही बंद कर देना चाहिए जैसे पहले था। अगर कछुए और कायर ने इसे खुला हुआ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो दोनों यक्षिणी के हाथों मरे या ना मरे, डर के कारण जरूर मर जाएंगे। हाँ ठीक कह रहा है तू। और एक बात, उन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने ये दरवाजा खोला था। सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि किसी को भी ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। हाँ ठीक है। युग और अभिमन्यु दोनों उठकर वापस से दरवाजे को वैसे ही बंद कर देते हैं जैसे वो पहले था। उसके ऊपर ताला, लाल कपड़ा और ताबीज भी बांध देते हैं। अब वो दरवाजा और ताला पहले की तरह लग रहा था।
कोई कह ही नहीं सकता था कि ताला तोड़कर दरवाजा खोला गया था। युग और अभिमन्यु दोनों वापस से नीचे हॉल में जाकर सोने की कोशिश करने लग जाते हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो दोनों नहीं सो पा रहे थे। कमरे का हादसा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। देखते ही देखते उन दोनों की कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह के 7 बज रहे थे। युग, अभिमन्यु, कायर और कछुआ चारों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कोई इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था कि ऐसा लग रहा था यदि दरवाजा जल्द ही नहीं खोला गया तो दरवाजा तोड़ देगा। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कायर की नींद खुल जाती है और वो नींद में ही उसके बगल में सो रहे कछुए से कहता है, यार कछुए, देखना कौन है सुबह सुबह, कौन दरवाजा खटखटा रहा है इतने जोर जोर से। कछुआ नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, यार तू ही देख लेना, मुझे नींद आ रही है। कायर कछुए को लात मारते हुए कहता है, उठना यार, कौन से तुझे राजकुमारी के सपने आ रहे हैं। कछुआ उठते हुए कहता है, उठ रहा हूं ना यार, मार क्यों रहा है। जब कछुआ उठता है तो देखता है कि युग और अभिमन्यु भी उठ गए थे और अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। दोनों दरवाजे की तरफ देख तो रहे थे पर दरवाजा खोल नहीं रहे थे। कछुआ उन दोनों से कहता है, यार जब तुम दोनों उठकर ही बैठे हो तो तुम दोनों में से कोई एक दरवाजा खोल देता, मेरी नींद क्यों खराब होने दी। युग अभिमन्यु कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देते। दोनों ही रात के हादसे से अभी तक बाहर नहीं आ पाए थे। कछुआ बड़बड़ाते हुए कहता है, इन दोनों को क्या हो गया, लगता है अभी तक नींद पूरी नहीं हुई। इतना कहते हुए कछुआ दरवाजे के पास पहुंच जाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि दरवाजे के सामने एक बूढ़ा खड़ा हुआ था। उस बूढ़े ने सफेद धोती कुर्ता और गले में लाल गमछा पहना हुआ था। बाल पूरी तरह से सफेद और कुछ झड़ चुके थे। सिर के एकदम बीचों बीच चांद दिखता था। बूढ़ा कहता है, बेटा तुम ही युग बाबू हो क्या। अरे नहीं नहीं, मैं युग नहीं हूँ, आपको युग से मिलना है क्या। हाँ, हम तो युग बाबू से ही मिलने आए थे। कछुआ युग को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे युग, जरा यहाँ पर आना, कोई तुझसे मिलने आया है। युग मन ही मन सोचने लग जाता है कि मुझसे मिलने सुबह सुबह कौन आ गया। जब युग उस बूढ़े को दरवाजे पर खड़ा देखता है तो मंत्रमुग्ध अवस्था में खड़ा हो जाता है। वो बूढ़ा कछुआ को साइड हटाता है और युग के कंधे को छूते हुए खुश होने लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बूढ़ा युग की कलाई पकड़ते हुए कहता है, बहुत बड़े और हट्टे कट्टे हो गए हो बेटा। कछुआ मन ही मन सोचने लग जाता है, ये बूढ़ा कौन है। युग कुछ याद करते हुए कहता है, आप पल्लू काका है ना। वो बूढ़ा खुश होते हुए कहता है, हाँ बेटा, मैं ही पल्लू काका हूँ, बड़ी देर कर दी पहचानने में, मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं, 13 साल बाद देखकर बड़ी खुशी हुई तुम्हें। बल्लू काका युग के घर के पुश्तैनी नौकर थे जो बचपन से ही उनके घर पर काम किया करते थे। आप यहाँ पर कैसे, और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आया हूँ। युग बाबू, मुझे क्या, पूरे गांव को पता चल गया है कि कोई परदेसी शहर से आया है। हम तो समझ गए थे कि वो परदेसी और कोई नहीं बल्कि हमारे युग बाबू ही होंगे। पर ये क्या, आप इन लाशों वाली कोठी में क्यों रुके हैं, आपको अपने घर पर रुकना चाहिए था ना। ये भी तो मेरा ही घर है ना बल्लू काका। हाँ युग बाबू, ये भी आपका ही घर है, पर आपको नहीं पता बड़ी मनहूस कोठी है ये। इसी कोठी ने तो हमारे बड़े मालिक यानी आपके पापा की जान ली थी। हमने तो ये भी सुना है कि यही कोठी उस डायन यक्षिणी का दूसरा ठिकाना था। चलिए छोड़िए ये सब बात, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना आपको लेने आए हैं, बड़े मालिक ने आपको लेने के लिए हमें भेजा है। युग हैरानी के साथ कहता है, बड़े मालिक मतलब बड़े पापा ना। हाँ युग बाबू, वही।
चलिए जल्दी से अपना सामान लाइए और चलिए हमारे साथ। नहीं बल्लू काका, मैं नहीं आ सकता। पर क्यों? बस मैं नहीं आना चाहता वहाँ पर। अब मैं यहीं पर रहूंगा, यही मेरा घर है। बल्लू काका युग की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आप बड़े मालिक से अभी भी नाराज है क्या? युग कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है आपकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई, पर युग बाबू, बड़े मालिक की सजा आप बड़ी मालकिन को क्यों दे रहे हैं? वो तो आपकी राह ताक रही है। क्या कहा? बड़ी माँ मेरा इंतजार कर रही है? हाँ युग बाबू, जैसे ही बड़ी मालकिन को पता चला कि आप यहाँ आए हैं, तो उनकी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो चाहती थी कि हम कल ही आपको लेने आ जाए, पर रात हो गई थी और हमारे गांव में आज भी रात को नदी पार नहीं की जाती। आपको तो पता ही है ना कि रोंग कामुचा गांव से बंगला मुड़ा गांव जाने का मात्र एक रास्ता है, और वो है किश्नोई नदी। आप चलेंगे ना? युग फिर कुछ जवाब नहीं देता। बल्लू काका अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, माना मैं आपका नौकर हूँ और आप मेरे मालिक। मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, पर भगवान के लिए मेरे साथ चलिए। मैं बड़ी मालकिन से वादा करके आया हूँ कि आपको अपने साथ लेकर ही आऊंगा। युग बल्लू काका के हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे बल्लू काका, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कोई नौकर नहीं है, आप तो मेरे काका है। बल्लू काका, आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। ठीक है बेटा। कुछ ही देर में युग तैयार होकर नीचे आ जाता है। युग को जाते देख कछुआ कहता है, यार तू जा रहा है तो फिर हम भी निकले यहाँ से। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मुझे भी बिंदु के पास जाना है, कल रात से उसे नहीं देखा, पता नहीं कैसी होगी। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कई जमानों से उसे नहीं देखा। कायर कहता है, तू नहीं समझेगा, प्यार में एक एक पल दूर रहना कितना मुश्किल होता है। अभिमन्यु उन दोनों के बीच में ही बोल पड़ता है, मैं भी निकलता हूँ। युग अभिमन्यु को मना करते हुए कहता है, अरे तू कहाँ जा रहा है? अगर तू चले जाएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा? अरे उस काम का सामान लेने ही तो घर पर जा रहा हूँ, कल बताया था ना सामान घर पर है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, ये तुम दोनों किस काम और सामान की बात कर रहे हो? अभिमन्यु बहाना बनाते हुए कहता है, अरे वो ग्रेवयार्ड कोठी के लिए ताला लेने की बात कर रहा है। अब तुझे तो पता ही है हमने ताला तोड़ दिया था बाहर वाले दरवाजे का, अगर कोई चोर घुस गया तो, इसलिए ताला लेने मुझे घर जाना है। कछुआ हंसते हुए कहता है, अरे ताले की कोई जरूरत नहीं है, कोई चोर गलती से भी इस कोठी में चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। युग और उसके दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी से चले जाते हैं। बल्लू काका और युग रोंग कामुचा गांव जाने के लिए किश्नोई नदी पार कर रहे थे। सूरज की किरणें सीधे युग और बल्लू काका के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण दोनों ही पसीने में भीग गए थे। नदी में घुटनों के ऊपर तक पानी था। उनके आगे पीछे भी कुछ लोग नदी पार कर रहे थे। दिन में नदी का नजारा अत्यंत मनमोहक लग रहा था। युग और बल्लू काका नदी पार कर ही रहे थे कि तभी युग पूछता है, वैसे बल्लू काका, अभी वहां घर पर कौन कौन है? बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वहां पर अभी बड़े मालिक है, बड़ी मालकिन है, और बड़ी मालकिन के भाई सुदेश बाबू, उनकी पत्नी रजनी और उनकी बेटी अमोदिता है। अच्छा। युग कुछ देर रुक कर पूछता है, क्या वहां पर वंदना भाभी नहीं है? अरे हाँ, मैं तो उनके बारे में बताना ही भूल गया। युग बाबू, वंदना बहुरानी का उस घर में होना ना होना एक समान है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं बल्लू काका? मैं आपके कहने का मतलब समझा नहीं। बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मतलब ये युग बाबू कि उस वक्त आप छोटे थे, इसलिए शायद आपको याद नहीं जब यक्षिणी ने विराट बाबू को अपना शिकार बनाया था।
बल्लू काका ने इतना ही कहा था कि तभी युग बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहता है, क्या कहा आपने? यक्षिणी ने विराट भैया को अपना शिकार बनाया था, पर मुझे तो बताया गया था कि उनकी मौत दिल के दौरे पड़ने की वजह से हुई थी। जब वो किश्नोई नदी ही पार कर रहे थे तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वहीं पर उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। वो तो युग बाबू, आप उस वक्त छोटे थे ना, इसलिए यक्षिणी की सच्चाई आपको बताई नहीं गई थी, वरना आपके दिल में उसका खौफ बैठ जाता। वो यक्षिणी बहुत ही खतरनाक थी, किसी किसी मर्दों के शव मिलते थे और किसी के तो मिलते भी नहीं थे। हम किस्मत वाले थे कि विराट बाबू का शव हमें नदी के पास ही मिल गया था। युग बल्लू काका की बात का कुछ जवाब नहीं देता और वो गौर से नदी पार करते हुए उनकी सारी बातें सुन रहा था। विराट बाबू की मौत की खबर जब वंदना बहुरानी को लगी तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। कैसे ना उजड़ती, आखिर एक पत्नी की दुनिया उसके पति से ही तो होती है। विराट बाबू के जाने के बाद वंदना बहुरानी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, ना किसी से बात करती थी ना अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मुझे तो सालों हो गए पर मैंने बहुरानी को नहीं देखा। खाना पीना भी बड़ी मालकिन उन्हें कमरे में दे आती है। मालकिन ने बहुरानी को कितना समझाया कि भूल जाए विराट बाबू को, पर वो कहां किसी की सुनती है। मुझे तो लगता है उनके प्राण भी तभी चले गए थे जब विराट बाबू के गए थे। सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। बल्लू काका की सारी बातें सुनने के बाद युग की आंखों में नमी आ गई थी। आती भी कैसे नहीं, आखिर बचपन में माँ से भी ज्यादा प्यार उसे कोई करता था तो वो उसकी वंदना भाभी ही तो थी। युग और बल्लू काका नदी पार कर ही रहे थे कि तभी बल्लू काका चलते चलते रुक जाते हैं। बल्लू काका को यूं अचानक से रुकते हुए देख युग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये बल्लू काका नदी के एकदम बीचों बीच आकर क्यों रुक गए। युग उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही वो देखता है कि बल्लू काका अपनी धोती में बंधी गठान खोलते हैं और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालते हैं जिसके अंदर कुछ चिल्लर पैसे रखे हुए थे। उन चिल्लर पैसे में से बल्लू काका एक रुपए का सिक्का निकालकर हाथ जोड़ते हुए उस सिक्के को नदी के अंदर फेंक देते हैं। ये सब देखकर युग की आंखें चौंधिया जाती है और वो हैरानी के साथ पूछता है, अरे ये क्या बल्लू काका, आपने ये सिक्का नदी में क्यों फेंक दिया? बल्लू काका युग के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, फेंका नहीं बेटा, दान किया है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा आपने? दान किया है मतलब? मतलब ये बेटा कि नदी में सिक्का डालना हमारे हिंदू धर्म में दान का दूसरा रूप बताया गया है। तुम्हें तो पता ही होगा हमारे शास्त्रों में नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है। इनका संबंध शास्त्रों में विभिन्न देवी देवताओं से बताया गया है। जब नदी तालाब या फिर समुद्र आदि में हम सिक्का डालते हैं तो ये उसके दैवीय स्वरूप को एक भेंट चढ़ाने का तरीका होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए जल में सिक्के व पूजन सामग्री प्रवाहित करने की प्रथा है। अच्छा तो ये बात है, पर आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है? बल्लू काका अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं, और वो क्या युग बाबू? आपको तो पता ही होगा प्राचीन काल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन था। तांबा जो है वो जल के शुद्धिकरण में काम आता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से वो शुद्ध हो जाता है। पुराने जमाने में जब लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे तो सिक्के धरातल में जाकर कई दिनों तक वहां पर जमा रहते थे। इससे तांबे का अंश धीरे धीरे जल में घुलता था जिससे शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया चलती रहती थी। आज के जमाने में अब तांबे के सिक्के तो नहीं चलते पर ये परंपरा अभी भी चलती आ रही है। अच्छा तो ये बात है युग बाबू, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। बल्लू काका और युग धीरे धीरे वापस से नदी पार करने लग जाते हैं। इस तरफ युग के बड़े पापा के घर में युग की बड़ी मम्मी जानकी और उसके भाई की पत्नी रजनी किचन के अंदर खाना बना रही थी। रजनी सब्जी बघारते हुए कहती है, आपको क्या लगता है भाभी, युग आएगा या नहीं आएगा? जानकी झट से रजनी की बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो रजनी,
युग बेटा है इस घर का, और मेरे विराट के गुजर जाने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब उसी का तो है। देखना वो जरूर आएगा, बल्लू काका लेने गए है ना उसे, वो युग को अपने साथ लेकर ही आएंगे, मेरा मन कहता है, रजनी हिचकिचाते हुए कहती है। हाँ वो सब तो ठीक है भाभी, पर मेरे मन को एक बात खाए जा रही है, और वो ये कि यदि युग को यहाँ हमारे घर आना ही होता तो वो सीधे आ जाता ना, उसे वो लाशों वाली क्या कहते हैं, हाँ ग्रेवयार्ड कोर्ट ही खोलने की क्या जरूरत थी। आपको पता है ना कितना हंगामा हो रहा है उसे लेकर दोनों गांवों में। हाँ रजनी मुझे पता है, उसी के लिए तो आज मीटिंग भी बुलाई गई है। पर तुम्हें तो पता है ना, जब युग छोटा था और अनुराग भैया उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़कर आए थे, तब से लेकर आज तक हमने भी तो उसकी खबर नहीं ली, कोई रिश्ता ही नहीं रखा उस बेचारे के साथ, तो कैसे आता वो यहाँ पर। रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी रिश्ता हमने उनके साथ नहीं रखा या उन्होंने हमारे साथ नहीं रखा, हाँ भूल गई युग की माँ को। जानकी कुछ याद करते हुए कहती है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ रजनी, वही तो सारे फसाद की जड़ थी, ना वो होती और ना अनुराग भैया ग्रेवयार्ड कोठी जाते और ना ये सब होता। अब आप पुरानी बातों को याद करके दिल छोटा मत कीजिए भाभी, सबको पता है वो औरत कैसी थी, आखिर सारा गांव जानता है। जानकी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, अरे रजनी जल्दी सब्जी बघार वरना मसाला जल जाएगा, देख जरा। रजनी चम्मच हिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी मेरा ध्यान है यहाँ पर। जानकी और रजनी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रजनी की बेटी अवोदिता आ जाती है। अवोदिता की उम्र करीब 23 साल थी, दिखने में वो सुंदर तो थी पर उसका रंग काला था। अवोदिता किचन के अंदर घुसते हुए कहती है, आप दोनों यहाँ पर बस खाना ही बनाते रहेंगी या बाहर मेहमानों का स्वागत भी करेंगी, युग जी आ गए हैं। जानकी खुश होते हुए कहती है, क्या कहा अवोदिता बेटी, युग बेटा आ गया। हाँ बुआ, और युग जी बाहर पापा और फूफा जी के पास खड़े हुए हैं। जानकी रजनी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल रजनी जल्दी से युग बेटे से मिल ले। रजनी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, भाभी आप जाइए ना, मैं ये सब्जी देखकर आती हूँ वरना ये जल जाएगी। अच्छा ठीक है मैं ही जाती हूँ, इतना कहकर जानकी वहां से जाने लग जाती है। जानकी के पीछे पीछे ही अवोदिता भी जा ही रही थी कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, अरे तू कहाँ जा रही है। अवोदिता शर्माते हुए कहती है, युग जी को देखने। रजनी घूरते हुए कहती है, तो इतना शर्मा क्यों रही है, सीधे सीधे बोलना। जानकी अभी किचन के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी वो कहती है, अरे शर्माएगी कैसे नहीं, भूल गई रजनी बचपन में युग और ये गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, तो ये अवोदिता अपनी दुल्हन की शादी युग के दूल्हे से और युग अपने दूल्हे की शादी इसकी दुल्हन से कराता था, और जब इन दोनों से पूछते थे कि आपस में शादी करोगे तो कैसे हाँ हाँ चिल्लाते हुए पूरे घर में घूमते थे। अवोदिता शर्माते हुए कहती है, उस वक्त हम छोटे थे ना बुआ जी। जानकी कान पकड़ते हुए कहती है, क्या कहा छोटे थे, तो एक बात बता अभी इतना क्यों शर्मा रही है, क्या लगता है मुझे पता नहीं कि बचपन का प्यार कैसा होता है, भूल मत कि मैं भी कभी तेरी उम्र की थी, चल अब जल्दी मेरे साथ बाहर। इतना कहकर जानकी वहां से चली जाती है। अवोदिता भी किचन के बाहर अपना कदम रखने ही वाली थी कि तभी रजनी उसे रोकते हुए कहती है, 2 मिनट अवोदिता जरा यहाँ पर आना। अवोदिता चिढ़ते हुए कहती है, क्या है माँ, लगता है आज आप मुझे ना युग जी से मिलने ही नहीं दोगे। रजनी अवोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहती है, तो ऐसे मिलेगी युग से। अवोदिता अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए कहती है, तो फिर कैसे मिलू माँ, क्या मैं अच्छी नहीं दिख रही। अच्छी तो तू बचपन से ही नहीं दिखती है, पता नहीं जब तू मेरे पेट में थी तो क्या खा लिया था मैंने, जो मुझे कोयले जैसी बेटी हुई है। एक तो लड़की की शादी कराना वैसे ही मुश्किल होता है, ऊपर से काली निकल जाए तो और मुश्किल हो जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर अवोदिता उदास हो जाती है, उसके मन को गहरी ठेस पहुंची थी। अवोदिता सर्वगुण संपन्न लड़की थी पर अपने काले रंग की वजह से वो हर जगह मार खा जाती थी, कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। कई जगह अवोदिता के रिश्ते की बात चली पर बात बनी नहीं। अवोदिता उदास मन के साथ कहती है, तो क्या करूं मां,
देख, युग शहर से आया है और हो सकता है कि शहर में कोई लड़की उसे पसंद भी हो, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो वही करेंगे जो हम करते आए हैं। हम ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। इससे अच्छा लड़का तुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। दौलत शोहरत सब है युग के पास। अवोदिता धीरे से कहती है, मतलब माँ हम युग पर काला जादू करेंगे? हाँ, और नहीं तो क्या। काले जादू से ही वो तेरे वश में आएगा, ना कि तेरी काली सूरत देखकर। अवोदिता रजनी को मना करते हुए कहती है, पर माँ मुझे ना शुरू से ही काला जादू वादू ठीक नहीं लगता, और वैसे भी इन सब से कुछ नहीं होता। हमने कितने लड़कों पर काला जादू किया मेरे रिश्ते के लिए, पर कुछ हुआ क्या? रजनी चढ़ते हुए कहती है, वो तो इसलिए नहीं हुआ पागल, क्योंकि तू ठीक से सच्चे मन से काला जादू नहीं करती, ना ही मंत्रों का सही से जाप करती है, वरना ये काला जादू कभी खाली नहीं जाता, समझी? पर माँ, अवोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही रजनी बीच में ही उसे टोकते हुए कहती है, पर वर कुछ नहीं, देख तू ही मुझे सच सच बता, तू युग को पसंद करती है या नहीं? अवोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, पसंद तो करती हूँ माँ। रजनी झट से कहती है, तो फिर अगर तुझे युग चाहिए तो तुझे काला जादू तो करना पड़ेगा, उसे अपने वश में करना पड़ेगा, तभी तो वो तेरे वश में आएगा। अवोदिता रजनी की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, माँ मुझे युग जी को अपने वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ गार्डन में युग के बड़े पापा दिलीप कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके पीछे युग के मामा सुदेश खड़े हुए थे। युग और बल्लू काका वहीं पर युग के बड़े पापा दिलीप के सामने खड़े हुए थे। युग के बड़े पापा की बहुत बड़ी हवेली थी। उनके पास 100 एकड़ पुश्तैनी जमीन थी, जिस कारण उनका गांव में बहुत मान सम्मान भी था। गांव में जितनी सरपंच की नहीं चलती थी, उससे कई ज्यादा दिलीप की चलती थी। दिलीप अपनी मूछों को ताव देते हुए बल्लू काका से पूछता है, तो यही है वो? बल्लू काका बौखलाहट के साथ कहते हैं, हाँ मालिक, यही है युग बाबू। जैसे ही बल्लू काका इतना कहते हैं, सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, अरे युग बेटा आ गए तुम, और बताओ कैसे हो? युग सुदेश को देखते हुए धीरे धीरे कहता है, ठीक हूँ मामा जी। दिलीप कहता है, तो तूने ग्रेवयार्ड कोठी क्यों खोली और किसकी इजाजत से खोली? युग कुछ जवाब नहीं देता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका उसके बड़े पापा से बात करने का जरा भी मन नहीं था। सुदेश हंसते हुए कहता है, अरे युग बेटा, जीजा जी कुछ पूछ रहे बेटा? बड़े जब कुछ पूछते हैं तो उसका जवाब झट से दे देना चाहिए, इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए, वरना ये संस्कारों के खिलाफ होता है, और लोग सोचते हैं कि आपके माता पिता ने आपको कुछ सिखाया ही नहीं। युग अपना मुंह खोलते हुए कहता है, मामा जी वो कोठी मेरी थी इसलिए मैंने खोल दी, मुझे मेरी चीज खोलने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दिलीप गुस्से से कहता है, वो कोठी इसके नाम हुई तो क्या हुआ? रॉन्ग कामूचा और बंगला मुड़ा दोनों ही मेरे गांव हैं और उन पर मेरा हक है। अगर वहां की तुम्हें किसी भी चीज को हाथ लगाना है ना, तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। युग भी गुस्से से कहता है, गांव भले ही मामा जी किसी का भी हो, पर मैं अपनी चीज कभी नहीं छोड़ता। युग दिलीप से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। युग की बातें सुनकर दिलीप समझ जाता है कि युग भी उसके बाप अनुराग की तरह गुस्सैल है, इसलिए वो बात को पलटते हुए कहता है, इससे पूछो इसने दूसरी मंजिल पर जो कमरा था, हाँ वो यक्षिणी कैद थी, उसे खोला तो नहीं? ये सवाल सुनकर युग के माथे पर पसीना आने लग जाता है। अभी तक उसे यक्षिणी के बारे में जितनी कहानी सुनाई गई थी वो सब सच लगने लग गई थी। युग दिलीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। वो अपने हाथ की मुट्ठी भींचने लग जाता है। सुदेश अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, युग बेटा बताओ, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं, तुमने वो दूसरी मंजिल का दरवाजा खोला तो नहीं ना, जिस पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे? इस तरफ किचन के अंदर जब रजनी अपनी बेटी अमोदिता के मुंह से सुनती है कि वो युग पर काला जादू करने के लिए तैयार है, तो वो खुश हो जाती है। रजनी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, ये हुई ना बात, सुन मैं युग के लिए पानी लेकर जाती हूँ, तू जब तक उसे अपने वश में करने के लिए चाय बना। अवोदिता बीच में ही अपनी माँ को टोकते हुए कहती है, बस मुझे युग जी के लिए चाय बनानी है और वो मेरे वश में आ जाएंगे? रजनी चिढ़ते हुए कहती है, नालायक लड़की, पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले,
तुझे चाय कोई ऐसी वैसी नहीं बनानी है, वशीकरण चाय बनानी है। और वो कैसे बनाते हैं? मेरी बात अब तू ध्यान से सुनना। सबसे पहले तू लौंग और इलायची को अपने शरीर के अंग से लगाकर उसे चाय के अंदर डाल देना। उसके बाद ओम नमः कामाख्या देवी पुरुष में वश कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करना, और जहाँ पर मैंने पुरुष बोला है वहाँ पर युग का नाम लेना, समझी? माँ समझ तो गई, पर क्या 108 बार जाप करना जरूरी है? और नहीं तो क्या, इतना आसान थोड़ी है ये काला जादू। ये कामाख्या देवी वशीकरण मंत्र है, बहुत शक्ति होती है इसमें, समझी? जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा करती जा, और फिर देखना युग कैसे तेरे वश में आता है। अच्छा अब मैं बाहर जा रही हूँ, तो यहाँ पर चाय बना वरना भाभी को शक होगा। पर माँ दो मिनट, बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, पापा और फूफा जी भी हैं। अगर चाय पीकर वो लोग मेरे वश में आ गए तो? रजनी अमोदिता पर भिनभिनाते हुए कहती है, नालायक लड़की, इतने सारे लड़कों पर काला जादू किया पर तुझे ये भी नहीं पता मंत्र के अंदर जिसका नाम बोला जाता है उसी पर काले जादू का असर होता है। तू तो सिर्फ युग का ही नाम लेगी ना तो वही तेरे वश में आएगा, समझी? हाँ माँ समझ गई। चल अब मैं जा रही हूँ, याद रखना 108 बार मंत्र का जाप करना है, और इस दौरान अपना ध्यान नहीं भटकाना, पूरे मन से जाप करना। जी माँ, जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगी। रजनी पानी का ग्लास उठाती है और वहां से चली जाती है। रजनी के जाते ही अमोदिता चाय गैस पर चढ़ा देती है। वो एक डिब्बे में से लौंग और इलायची निकालती है। अमोदिता लौंग और इलायची को अपने वक्ष से स्पर्श करके पकती हुई चाय के अंदर डाल देती है। अमोदिता चाय को देखते हुए कहती है, ओम नमः कामाख्याय देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा, ओम नमः कामाख्या देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा, ओम नमः कामाख्या देवी युग वश कुरु कुरु स्वाहा। अमोदिता लगातार मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है। इस तरफ बाहर गार्डन में युग के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने रिश्तेदारों को बताए या नहीं बताए कि जिस कमरे में यक्षिणी कैद है उसे उसने गलती से खोल दिया था। युग इसे उलझन में फंसा हुआ था। फिर सुदेश उससे पूछता है, बताओ युग बेटा, जीजा जी कुछ पूछ रहे हैं, जिस कमरे में यक्षिणी कैद है तुमने उसे खोला तो नहीं ना? क्या था उस कमरे का नंबर? हाँ याद आया, हाँ 666, यही नंबर था उस कमरे का। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही बल्लू काका बीच में बोल पड़ते हैं, नहीं छोटे मालिक, वो दरवाजा युग बाबू ने नहीं खोला है। मैं जब उस कोठी में युग बाबू को लेने गया था तो मैंने देखा था वो दरवाजा बंद था, उस पर ताबीज भी बंधे हुए थे। जैसे ये बात बल्लू काका ने बोली, दिलीप और सुदेश एक लंबी आह भरते हैं, जैसे उनके जान में जान आ गई हो। दिलीप अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहता है, चलो कुछ तो ठीक हुआ, कह दो इससे कि वो कोठी बंद कर दे, और रहना चाहे तो वो कुछ दिन यहाँ पर रह सकता है। जो गुस्से के साथ कहता है, मामा जी कह दीजिए इनसे कि मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला, और मैं अपने ही घर में रहना पसंद करूंगा, किसी और के नहीं। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर युग की बड़ी मम्मी जानकी आ जाती है। जानकी युग के पास जाते हुए कहती है, युग बेटा तू आ गया। जब युग अपनी बड़ी मम्मी की तरफ देखता है तो खुश हो जाता है। कुछ पल पहले जो उसके चेहरे पर गुस्सा था वो अचानक से गायब हो जाता है। युग अपनी बड़ी मम्मी के पैर छूने लग जाता है। जानकी प्यार से युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे पता था बेटा एक ना एक दिन तू अपनी बड़ी मम्मी के पास जरूर आएगा, आखिर इतने सालों बाद तुझे अपनी बड़ी मम्मी की याद आ ही गई ना। युग कहता है, नहीं बड़ी माँ ऐसी बात नहीं है, वो तो। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वहां पर 3-4 आदमी आ जाते हैं जिन्होंने अपने हाथों में राइफल पकड़ी हुई थी। देखने से वो युग के बड़े पापा दिलीप के पहरेदार लग रहे थे। उन्हीं चारों आदमी में से एक आदमी दिलीप से कहता है, मालिक मीटिंग लग चुकी है और आपका सब इंतजार कर रहे हैं, सरपंच साहब ने हमें भेजा है। दिलीप फिर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, अच्छा मीटिंग लग गई तो चलो फिर, इंतजार किस बात का कर रहे हो।
इतना कहकर दिलीप अपनी जगह पर खड़े होता है और अपने आदमियों के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। सुदेश भी उनके पीछे पीछे जाने लग जाता है। युग हैरानी के साथ जानकी से पूछता है, बड़ी माँ, ये बड़े पापा और मामा जी किस मीटिंग में जा रहे हैं? बात ऐसी है युग बेटा, जो तुमने ग्रेवयार्ड कोठी खोली है ना, उसी सिलसिले में आज रोंग कामुचा और बंगला मोड़ा दोनों गांव के सरपंचों ने मीटिंग रखी है। उसी में गए हैं तुम्हारे बड़े पापा और मामा जी। युग अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मैंने कोठी खोली इस सिलसिले में मीटिंग बैठी है, पर क्यों? और वो कोठी तो मेरी है ना, मेरी मर्जी में उसे खोलूं या बंद करूं, गांव वालों को उससे क्या लेना देना? लेना देना है बेटा, तुम्हें तो पता ही होगा यक्षिणी के बारे में। सारा गांव जानता है कि यक्षिणी को उस कोठी में बंद किया गया था और अब कोठी खुलने के बाद सारे गांव के ऊपर मौत मनरा रही है। जब तक कोठी वापस से बंद नहीं हो जाती, गांव वाले चैन की सांस नहीं लेंगे। पर बड़ी माँ, मैं वो कोठी बंद नहीं। युग फिर अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही वहां पर रजनी पानी का ग्लास लेकर आ जाती है और युग को देखते हुए कहती है, अरे युग बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे, पहचाना मुझे तुमने? युग रजनी को देखते हुए कुछ याद करते हुए कहता है, अरे मामी जी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। रजनी पानी का ग्लास युग को देते हुए कहती है, ये लो बेटा, पानी पी लो, तुम थक गए होंगे ना? युग पानी का ग्लास लेते हुए कहता है, अच्छा हुआ मामी जी आप पानी ले आई, मेरा तो बहुत गला सूख रहा है, जब से नदी पार कर रहा था ना तब से। युग पानी का ग्लास अपने होठों से लगाने ही वाला था कि तभी जानकी उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ युग बेटा, पानी मत पीना। जानकी के कहने पर युग रुक जाता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ बड़ी माँ? रजनी मन ही मन घबराने लग जाती है और सोचने लगती है, ये भाभी युग को मेरे हाथों से पानी पीने से क्यों मना कर रही है, इनको क्या हो गया अचानक से? जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, रजनी तुम भूल गई, युग नदी पार करके आया है, पहले उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। रजनी अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी भाभी, वो क्या है ना, युग इतने सालों बाद आया है ना, तो खुशी के कारण भूल ही गई थी, आप यहीं पर रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। युग रजनी को देखते हुए कहता है, बड़ी माँ, ये मामी जी कहाँ और क्या लेने जा रही है? बस देखते जा बेटा, कुछ देर में तुझे खुद ही तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ देर बाद रजनी वापस आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा लोटा था जिसमें पानी रखा हुआ था। युग उस लोटे को देखते हुए हंसते हुए कहता है, अरे ये क्या, जो नदी पार करके आते हैं उन्हें ग्लास की जगह लोटे से पानी पिलाया जाता है क्या? जानकी युग की बात का जवाब देते हुए कहती है, युग बेटा ये पानी नहीं है बल्कि गौमूत्र है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा, गौमूत्र है, इससे क्या करना है? प्लीज बड़ी माँ, अब ये मत कहना कि इसे मुझे पीना है, कहीं यहाँ पर ये रिवाज तो नहीं है ना कि जो लोग नदी पार करके आते हैं उन्हें गौमूत्र पिलाया जाता है? युग की बातें सुनकर जानकी और रजनी दोनों ठहाके मार के हंसने लग जाती है। जानकी हंसते हुए ही कहती है कि ये पीने के लिए नहीं है बेटा। तो फिर किस चीज के लिए है बड़ी माँ? जानकी युग की बात का कुछ जवाब नहीं देती और वो लोटा रजनी के हाथों से ले लेती है। जानकी उस लोटे के अंदर का गोमूत्र अपने हाथ में लेते हुए युग के ऊपर छिड़कने लग जाती है। युग जानकी को रोकते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं बड़ी माँ? प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जानकी गोमूत्र युग पर छिड़कते हुए कहती है, तुझे नहीं पता युग बेटा, यही रिवाज है, शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गौमूत्र बहुत ही पवित्र पदार्थ माना जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि गाय में अनेक देवी देवताएं निवास करते हैं और गौमूत्र में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने की शक्ति निहित होती है। हमारे गांव के लोग तो हर दिन बुरी शक्तियों को अपने घर से दूर करने के लिए पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करते हैं। युग कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता था उसका कुछ भी कहना फिजूल है।
बड़ी मम्मी उनके मन की करके ही रहेगी। गौमूत्र के छिड़काव के बाद युग पानी पीने लग जाता है। रजनी युग के आसपास की स्मेल लेते हुए कहती है, भाभी इसमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। युग पानी पीते हुए कहता है, अरे मामी जी स्मेल कैसे नहीं आएगी, अभी कुछ देर पहले तो बड़ी माँ ने मेरे ऊपर मुट्ठी भर भर के गौमूत्र छिड़का है। नहीं युग बेटा, ये गौमूत्र की स्मेल नहीं है, ये बदबू तो ऐसे आ रही है जैसे किसी मरे हुए इंसान के शरीर में से आती है, सड़ी हुई गोभी की तरह। जानकी डरते हुए कहती है, युग बेटा कहीं ये बदबू तुम्हारे ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने की वजह से तो नहीं आ रही, आखिर वहां पर वो यक्षिणी जो कैद है। जानकी की बात सुनकर युग भी घबराने लग जाता है। उसको भी मन ही मन लगने लग जाता है कि उनका कहना ठीक है, आखिर उसने कल रात यक्षिणी का कमरा जो खोला था, हो सकता है उसी वजह से उसकी शर्ट में से बदबू आ रही हो। पर जानकी और रजनी को उस पर शक ना हो इसलिए वो बड़े एटीट्यूड के साथ कहता है, अरे नहीं बड़ी माँ ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना कुछ भी सोचती है। युग जानकी और रजनी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अमोदिता चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। चाय की ट्रे में 4 कप चाय रखी हुई थी। अमोदिता आते से ही कहते हैं, अरे फूफा जी और पापा कहाँ चले गए, मैं तो उनके लिए भी चाय लेकर आई थी। जानकी अमोदिता के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो तो चले गए बेटा, कोई बात नहीं, ला चाय युग बेटे को और हमें दे दे। रजनी अपने हाथ से अमोदिता की तरफ इशारा करते हुए युग से कहती है, मुझे तो पहचान लिया था तुमने युग बेटा, पर ये बता इसे पहचाना या नहीं पहचाना। युग अमोदिता को ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, ये आपकी बेटी अमोदिता है ना। युग ने इतना ही कहा था कि तभी जानकी खुश होते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक कहा मेरे युग बेटे ने, ये सबको पहचानता है, किसी को नहीं भूला। युग उदास चेहरा बनाते हुए कहता है, सिवाय अपनी माँ के। जैसे ही युग ये बात कहता है अचानक से वहां पर खड़े सभी लोगों के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है, जैसे उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। रजनी माहौल को बदलते हुए कहती है, अरे वाह अमोदिता चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चाय अच्छे से तो बनाई है ना जैसे मैंने बताई थी। अमोदिता तिरछी आंख से अपनी माँ को इशारा करते हुए कहती है, हाँ माँ बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे आपने बताई थी। तो खड़ी क्या है, युग बेटे को देना। अमोदिता युग के पास जाती है और उसे चाय देते हुए कहती है, युग जी चाय लीजिए ना। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता गर्मी बहुत है और मेरा चाय पीने का मन नहीं कर रहा। ये बात सुनकर रजनी को झटका सा लगता है, उसे कुछ भी करके अमोदिता के हाथ की चाय युग को पिलानी थी। रजनी युग पर दबाव बनाते हुए कहती है, पी लो युग बेटा अमोदिता ने बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, वरना फेंकने में जाएगी, बस एक बार तुम अमोदिता के हाथ की चाय पीकर देखो फिर तुम उसी के हाथों की चाय के गुणगान गाने लग जाओगे। वैसे तो सब ठीक है मामी जी, पर पता नहीं आज मन ही नहीं कर रहा चाय पीने का। युग की बात सुनकर अमोदिता का चेहरा छोटा सा हो गया था। जानकी अमोदिता का उदास चेहरा देखते हुए युग से कहती है, पी ले युग बेटा वरना अमोदिता को बुरा लगेगा, उस बेचारी ने तेरे लिए ही तो चाय बनाई है, और भूल गया बचपन में जब तू अपने गुड्डे की इसकी गुड्डी से शादी करता था तो क्या कहता था कि मेरा गुड्डा तो अमोदिता की गुड्डी के लिए जहर भी पी ले, और अब तू चाय पीने से घबरा रहा है। युग शर्माते हुए कहता है, वो तो बस ऐसे ही बड़ी मम्मी, कहां आप बचपन की बातों को लेकर बैठी हुई है। जानकी और रजनी के फोर्स करने पर युग चाय पीने के लिए तैयार हो जाता है। वो चाय का कप उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। जब अमोदिता युग को चाय देने के लिए थोड़ा सा झुकती है तो उसकी नजर युग की आंखों पर पड़ती है, और युग की आंखों में देखकर उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, वो बहुत नर्वस हो जाती है। जब कोई लड़की अपने बचपन के प्यार को देखती है तो अक्सर उसके साथ ऐसा ही होता है। अमोदिता इतनी नर्वस हो गई थी कि उसके हाथ जोर जोर से कांपने लग जाते हैं, और अगले ही पल ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है और सारे कप जमीन पर गिरकर धड़ाम से फूट जाते हैं। रजनी गुस्से से कहती है,
ये क्या, सारी मेहनत बर्बाद कर दी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जानकी रजनी को समझाते हुए कहती है, अरे रजनी तू क्यों अमोदिता पर चिल्ला रही है, बच्ची है बेचारी, हो जाता है कभी कभी, और वैसे भी युग बेटे का भी मन नहीं था चाय पीने का, हम ही उस पर दबाव बना रहे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी काम ना जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अमोदिता नीचे बैठकर जमीन पर फूटे चाय के कप के कांच ट्रे में उठाने लग जाती है। जानकी उसे रोकते हुए कहते हैं, अरे अमोदिता बेटा रहने दे तू, मैं कर लूंगी। युग अमोदिता और जानकी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो अपने आसपास देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। ये बात रजनी नोटिस कर लेती है और युग से पूछती है, क्या हुआ बेटा, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, वो मामी जी मैं सबसे मिल गया पर मुझे कहीं वंदना भाभी नहीं दिखी, वो कहाँ पर है? युग का सवाल सुनकर अचानक से रजनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे युग ने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया था जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अमोदिता भी कांच के टुकड़े बिनते बिनते रुक गई थी। युग कहता है, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, वंदना भाभी यहाँ पर नहीं है क्या? जानकी हिचकिचाते हुए कहती है, है ना युग बेटा, वंदना यहीं पर है पर अपने कमरे में है, मुझे उनसे मिलना था बड़ी माँ, उनसे भी तो मिले हुए कई साल हो गए, और आप सबको तो पता ही है बचपन में भाभी मेरा कितना ख्याल रखती थी। हाँ वो तो है बेटा पर, जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग कहता है, पर क्या बड़ी माँ, प्लीज बताइए ना भाभी का कमरा कहाँ है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। जानकी अमोदिता से कहती है, जा अमोदिता युग बेटे को वंदना के कमरे में ले जा। जैसे ही अमोदिता ये बात सुनती है अमोदिता के डर के कारण हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा बुआ जी आपने, वंदना भाभी के कमरे में? जानकी कहती है, हाँ वंदना के, जा लेकर जा युग को। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाली उनके कमरे के पास भी। अरे जाना, मैंने कहा ना। युग ये सब देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ये अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना डर क्यों रही है। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, नालायक लड़की तेरे एक बार में समझ में नहीं आता क्या, भाभी कब से तुझे कुछ करने को बोल रही है और तू यहाँ पर बैठी हुई है, क्या यही संस्कार दिया है मैंने तुझे, बड़ों की बात ना मानना। रजनी के चिल्लाने पर अमोदिता अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और युग से कहती है, चलिए युग जी। अमोदिता और युग सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जाने लग जाते हैं। जैसे जैसे अमोदिता वंदना के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाते जा रही थी उसके अंदर का खौफ बढ़ते जा रहा था। युग के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अमोदिता वंदना भाभी के कमरे में जाने से इतना घबरा क्यों रही थी। युग और अमोदिता सीढ़ियां चढ़ते हुए वंदना के कमरे की ओर जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अमोदिता के पैर डर के मारे कांप रहे थे। युग बहुत देर से ये चीज नोटिस कर रहा था। युग से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ ही लेता है, अमोदिता मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से मैंने वंदना भाभी का जिक्र किया है तब से तुम बहुत घबरा रही हो, आखिर बात क्या है? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, क्या कहा युग जी आपने, मैं घबरा रही हूँ? नहीं 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 मैं क्यों घबराऊंगी भला, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। नहीं अमोदिता तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है, बताओ ना हुआ क्या है, तुम सब क्या छुपा रहे हो मुझसे, आपको वंदना भाभी के बारे में नहीं पता क्या? युग बिचकते हुए कहता है, क्या नहीं पता, जरा खुद ही सोच के देख लो, मैं तो 13 साल बाद आया हूँ ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अमोदिता अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी युग जी। युग अमोदिता पर दबाव बनाते हुए कहता है,
अमोदिता बात मत घुमाओ, बताओ क्या बता रही थी तुम वंदना भाभी के बारे में मुझे? वो युग जी, वो वंदना भाभी है ना, वो थोड़ी, अमोदिता बोलते बोलते रुक जाती है और बात को पलटते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, देखिए वो रहा वंदना भाभी का कमरा। जब युग उस ओर अपनी नजरें करता है तो देखता है कि उनके सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा लगा हुआ था। युग दरवाजे को देखते हुए कहता है, अरे ये दरवाजा तो बंद है अमोदिता। नहीं युग जी, ये बस टिका हुआ है, आप हल्का सा धक्का देंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। चलती हूँ मतलब, तुम मेरे साथ अंदर नहीं आओगी? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं युग जी आप जाइए, मुझे काम है। अरे ऐसा क्या काम है, तुम भी मेरे साथ अंदर चलो ना। नहीं युग जी बात को समझिए, मैं नहीं आ सकती, आप अंदर जाइए मैं जाती हूँ। इतना कहकर युग का अगला सवाल सुने बिना ही अमोदिता वहां से चली जाती है। अमोदिता को वहां से जाता हुआ देखकर युग को बड़ा अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे तो अपनी वंदना भाभी से मिलना था। युग दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर आवाज लगाते हुए कहता है, वंदना भाभी देखिए मैं आ गया। कोई जवाब नहीं आता। युग फिर आवाज लगाता है, वंदना भाभी आप जरा बाहर तो आइए, देखिए कौन आया है आपसे मिलने, आपका युगू। 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता तो युग बिना कुछ सोचे समझे अंदर जाने का फैसला कर लेता है। अच्छा आपको बाहर नहीं आना तो मत आइए, मैं ही अंदर आ जाता हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ भाभी। इतना कहकर युग दरवाजे को हल्का सा धक्का दे देता है। जैसे युग दरवाजे को धक्का देता है दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। इस तरफ रोंकामुचा गांव के सरपंच रतनपाली के घर के आंगन में मीटिंग बैठी हुई थी। आंगन में 3 कुर्सी लगी हुई थी जिसमें एक कुर्सी में बंगला मुराक गांव के सरपंच भूपेंद्र बख्शी, दूसरी कुर्सी पर रोंकामुचा गांव के सरपंच रतनपाल और तीसरी पर युग के बड़े पापा दिलीप बैठे हुए थे। युग के मामा सुदेश हमेशा की तरह दिलीप के पीछे खड़े हुए थे। आंगन में करीब 40-50 लोग थे जिसमें से कुछ खड़े तो कुछ बैठे हुए थे और बड़ी आस लगाकर कुर्सी पर बैठे तीनों आदमियों की ओर देख रहे थे। बंगला मुड़ा गांव के सरपंच भूपेंद्र पाल थोड़ा असमंजस में पड़कर दिलीप से कहते हैं, दिलीप जी आपको तो पता ही है कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है, भला आपसे क्या छुपा है, हम तो ये मीटिंग रखना ही नहीं चाहते थे, पर आपको तो पता ही है बंगला मुड़ा गांव और रोंकामुचा गांव दोनों के ही नियम कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो फिर कोई भी हो, गांव के लोगों को भी संतुष्टि मिल जाएगी इस मीटिंग से। दिलीप अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, पता है हमें मत सिखाओ और सीधे मुद्दे की बात करो, समझे हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और भी काम है हमें। दिलीप का गुस्सा देखकर गांव वाले डर जाते हैं पर रतनपाली बड़ी हिम्मत करके कहता है, सुना है किसी लड़के ने ग्रेवयार्ड कोठे का दरवाजा खोल दिया है। रतनपाली अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही भूपेंद्र बोल पड़ता है, सुना नहीं है रतन जी, मेरे आदमी तो खुद उस कोठी को बड़ी हिम्मत करके देख कर आए हैं, उसका दरवाजा खुला हुआ है और सुनने में आया है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लेखक साहब अनुराग जी का बेटा है युग। युग के बड़े पापा दिलीप कुछ नहीं कहते, वो आराम से कुर्सी पर बैठ कर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। भूपेंद्र को सवाल करते देख रतन की भी हिम्मत बढ़ जाती है और वो भी सीना चौड़ा करते हुए कहता है, आपको तो पता ही है कितने लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी उस ग्रेवयार्ड कोठी को बंद करने में, कल ही कृष्णोई नदी पर ढेर सारे मरे हुए कौए मिले हैं और ये संकेत है मौत के पहले का, संकेत कि वो आने वाली है और यदि वो फिर से आ गई तो गांव में फिर से मर्दों के शिकार शुरू हो जाएंगे और यदि ऐसा हुआ तो दोनों गांव को वापस से शमशान बनने में देर नहीं लगेगी। दिलीप अभी भी कुछ नहीं बोलता, वो बस अपनी मूंछों को घुमाए जा रहा था। दिलीप को चुप बैठा हुआ देखकर भूपेंद्र और रतन तो हैरान थे ही पर उससे ज्यादा गांव वाले थे क्योंकि गांव वालों ने आज तक दिलीप को इतनी देर तक चुप बैठा कभी नहीं देखा था। अचानक से वातावरण में खामोशी छा जाती है। दिलीप अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, हो गया तुम दोनों का, जो कहना था कह दिया, अब सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, इन दोनों गांव की जितनी फिक्र मुझे है ना उतनी किसी को नहीं हो सकती, यहाँ के सरपंचों को भी नहीं। जैसे ही दिलीप ये बात कहता है
रतन और भूपेंद्र तिरछी नजरों से दिलीप को देखने लग जाते हैं, पर कहते कुछ नहीं। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सारा गांव जानता है इस गांव में यदि पक्की सड़कें, स्कूल, बांध, जो भी निर्माण कार्य हुआ है उसका सारा पैसा मैंने दिया है, तो मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई नहीं सोच सकता, समझे आप लोग। रतन बीच में ही दिलीप को टोकते हुए कहता है, पर दिलीप जी इन बातों का ग्रेवयार्ड कोठी के खुलने से क्या लेना देना। दिलीप गुस्से से कहता है, मेरी बात तो पूरी होने दे पहले रतन। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं कि मेरे सिवा कोई भी गांव की भलाई सोच भी नहीं सकता, और रही बात ग्रेवयार्ड कोठी की, तो बस दरवाजा खुला है, यक्षिणी अभी भी उसी कमरे के अंदर कैद है जहां पर उसे तीनों धर्म गुरुओं ने कैद किया था। मेरे भाई अनुराग का बेटा युग जो शहर से आया है उसे पता नहीं था इस बारे में, गलती से उससे ग्रेवयार्ड कोठी खुल गई है, जल्द ही कोठी वापस से बंद हो जाएगी, आप लोग फिक्र ना करें। हर कोई ध्यान से दिलीप की बात सुन रहा था, सब लोग एक टक नजर से उसी की ओर देख रहे थे। दिलीप अपनी बात को खत्म करते हुए कहता है, अब और किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो पूछ सकता है। कोई कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि गांव वालों के मन में दिलीप का बहुत खौफ था, कोई भी उसके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। दिलीप अपनी कुर्सी पर से उठता है, गांव के लोगों के सामने हाथ जोड़ता है और वहां से जाने लग जाता है। दिलीप के पीछे पीछे ही सुदेश भी वहां से जाने लग जाता है। इस तरफ जब युग कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। युग के समझ नहीं आ रहा था कि उसकी वंदना भाभी ने कमरे के अंदर इतना अंधेरा क्यों करके रखा था, जबकि बाहर तो लाइट थी। युग वंदना को आवाज लगाते हुए कहता है, भाभी कहाँ पे है आप? आप अंदर ही हो ना? कोई जवाब नहीं आता। युग वंदना को ढूंढते हुए कमरे के अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो कमरे के अंदर आगे बढ़ता जा रहा था, खामोशी और अंधेरा बढ़ते जा रहा था। युग बार बार वंदना को पुकारे जा रहा था, पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। युग वंदना को पुकारते हुए कहता है, भाभी, वंदना भाभी, कहाँ पर है आप? अंदर ही हो ना आप? यहाँ पर हो या नहीं? युग वंदना को पुकारते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक काला साया निकलता है। वो झट से पीछे मुड़ता है, पर जब तक वो पीछे मुड़ता है वो काला साया वहां से जा चुका था। युग समझ ही नहीं पाता कि उसके पीछे से थोड़ी देर पहले क्या चीज गुजरी थी। जब युग वापस आगे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो उल्लू की तरह अपनी आंखें तेज करके अंधेरे में देखता है कि बिस्तर के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उस औरत के लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। एक कारण ये भी था कि वो अंधेरे में बैठी हुई थी। युग मन ही मन सोचने लगा, जरूर यही वंदना भाभी होगी, क्योंकि विराट भैया के गुजर जाने के बाद तो वंदना भाभी ने विधवा के तौर तरीके अपना लिए होंगे। युग धीरे से कहता है, वंदना भाभी, आप ये अंधेरे में क्यों बैठी हुई है? लाइट तो है, फिर आपने लाइट जलाई क्यों नहीं? बिस्तर पर बैठी औरत कुछ जवाब नहीं देती है, पर युग अपनी बात आगे जारी रखता है और कहता है, वंदना भाभी, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। आपको पता है मैं यहाँ पर स्पेशली सिर्फ आपसे और बड़ी माँ से मिलने आया हूँ, पर ना आपको तो पता ही है बड़े पापा को देखकर मेरा यहाँ पर आने का मन ही नहीं करता। वो औरत फिर कुछ जवाब नहीं देती। युग बातें करते हुए अपने कदम बिस्तर पर बैठी औरत की ओर बढ़ाने लग जाता है। इस तरफ रजनी अपने कमरे के अंदर थी और कुछ ढूंढ रही थी। उसने सारे कमरे का सामान बिखरा दिया था। रजनी कमरे के अंदर रखी अलमारी खोलती है और उसका सामान बाहर फेंकते हुए कुछ ढूंढने लग जाती है। तभी वहां पर अमोदिता आ जाती है और हैनानी के साथ पूछती है, माँ, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? अचानक किसी की आवाज सुनकर पहले तो रजनी घबरा जाती है, पर जब वो पीछे पलट कर देखती है कि अमोदिता ने उसे आवाज दी थी, तो वो चैन की सांस लेने लग जाती है और वापस से अपना सामान ढूंढने लग जाती है। अमोदिता फिर पूछती है, माँ बताओ ना, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? रजनी बात को पलटते हुए कहती है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो तुझे युग के साथ वंदना के कमरे में भेजा था ना। अमोदिता उलझन में जवाब देती है, हाँ माँ, पर
मैं युग जी को वंदना भाभी के कमरे के पास छोड़कर वापस आ गई। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, तुझे मैंने युग के साथ इसलिए भेजा था ताकि तू उसके साथ कुछ वक्त बिताए, उसे बातों में फंसाए, बचपन की बातें याद दिलाए, पर तू तो एक नंबर की ढोर निकली। और एक बात बता, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे नीचे आने की, तो युग को वहां पर छोड़कर क्यों आ गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, आप तो जानती है ना माँ, वंदना भाभी की हालत, मुझे उनसे डर लगता है उनके पास जाने में भी। रजनी अपने हाथ से अमोदिता के सिर पर मारते हुए कहती है, क्या कहा, डर लगता है? कैसी लड़की है रे तू, मुझे तो तुझ पर शक होता है कि तू मेरी बेटी है या नहीं। काला जादू करने वाले कब से डरने लग गए? वो डरते नहीं है बल्कि अपनी काली विद्या से पूरी दुनिया को डराते हैं, समझी? समझ रही हूँ माँ, पर मैं तो अभी एक जादू टोना करना बस सीख ही रही हूँ ना, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। रजनी अपनी दोनों आंखों की आईब्रो उठाते हुए कहती है, हाँ वो दिखा मुझे, ये बता तूने चाय की ट्रे क्यों गिरा दी? वो माँ, मैंने कोई जानबूझकर नहीं गिराई थी चाय की ट्रे, गलती से गिर गई थी। क्या कहा, गलती से? नालायक लड़की, तुझे पता है ना इन काली विद्याओं में गलती नहीं चलती, गलती की सजा सीधा मौत होती है, समझी? अमोदिता अपनी माँ की बातों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी, वो शांति के साथ उसकी सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर आज तू युग को चाय पिला देती तो सारी बात बन जाती, बस एक बार युग तेरे वश में आ जाता, फिर देखना था क्या होता यहाँ पर, जो भी है सब अपना ही होता। अमोदिता एक्साइटेड होते हुए कहती है, माँ तुम फिक्र क्यों कर रही हो, अगर हम युग जी को चाय नहीं पिला पाए तो क्या हुआ, खाना तो आज युग जी यहीं पर खाएंगे ना, हम उसमें उन्हें कुछ मिला के दे देंगे जिससे वो हमारे वश में आ जाएंगे। नालायक लड़की, ये जादू टोना है कोई मदारी का खेल नहीं कि जब मन चाहा शुरू कर दो, इसका भी एक वक्त होता है, समय सीमा होती है, हर कभी नहीं किया जाता ये, समझी? अमोदिता शर्म से अपना सिर झुका लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, एक काली विद्या को दिन में बस एक ही बार कर सकते हैं, बार बार नहीं, अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, और उससे भी रात के 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि तब तक अगला दिन शुरू हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे माँ? रजनी वापस से अलमारी के दराज में कुछ ढूंढते हुए कहती है, वही तो ढूंढ रही हूँ, बस एक बार वो मिल जाए फिर देखना। पर आप ढूंढ क्या रही हो माँ? ये सब तेरे काम की चीज नहीं है, समझी तू? तू बस अब एक काम कर, कैसे भी करके युग के बाल ले आ, अगर हमें उसका एक बाल भी मिल गया ना तो बात बन जाएगी, अगला जादू टोना हम उसी से करेंगे। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी युग जी के बाल लाने की। रजनी गुस्से से कहती है, नालायक लड़की, कोशिश नहीं, मुझे युग का बाल चाहिए ही, समझी? वरना भूल जाए युग को, समझी? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी युग जी का बाल। इस तरफ रजनी और अमोदिता युग पर जादू टोना करने की प्लानिंग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ युग वंदना के कमरे में था और घबराया हुआ सा लग रहा था, क्योंकि वो जब से वंदना से बात करने की कोशिश कर रहा था पर बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला था। युग उस औरत के पास कदम बढ़ाते हुए कहता है, भाभी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है, जब से मैं बस आप ही से बातें कर रहा हूँ आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। युग के इतना कहते ही बिस्तर पर बैठी औरत एकदम से रोने लग जाती है। युग घबराते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी आप रो क्यों रही हो? वो औरत युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती, वो बस रोए जा रही थी। युग भाभी भाभी कहते हुए उस औरत के पास जाने लग जाता है और जैसे ही उस औरत को छूता है वो औरत अपने दोनों हाथों से युग का गला पकड़ लेती है। जब युग उस औरत का चेहरा देखता है तो दंग रह जाता है, वो उसकी वंदना भाभी तो थी पर पहले के मुकाबले उनमें काफी बदलाव आ गया था। वंदना का चेहरा सूखा हुआ था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे
दिखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत कमजोर हो गई थी। उनके चेहरे की हड्डियां दिख रही थी। युग अपना गला छुड़ाते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही है भाभी? आप मेरा गला क्यों दबा रही है? छोड़िए मुझे। वंदना गुस्से में कहती है, दरवाजा खोलकर तुम मुझसे पूछ रहे कि मैं तेरा गला क्यों दबा रही हूँ? ये आप क्या बोल रही है भाभी? किस दरवाजे की बात कर रही है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, यक्षिणी के कमरे का दरवाजा। ये बात सुनकर युग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने लग जाता है कि वंदना भाभी को कैसे पता कि उसने यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोल दिया। युग हकलाते हुए कहता है, ये आप क्या बोल रही हो भाभी? मैंने कहा यक्षिणी के कमरे का दरवाजा खोला? वंदना गुस्से में कहती है, तू झूठ बोलता है। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है, समझा? युग के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वंदना को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला था। वंदना के शरीर में जितनी जान थी वो अपनी पूरी जान से युग का गला दबाने में लग जाती है। युग चीखते हुए कहता है, छोड़िए भाभी, ये आप क्या कर रही है? छोड़िए मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है भाभी। वंदना युग का गला दबाते हुए उसे बार बार हिला रही थी। युग की सांसें अटकने लग गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यदि वंदना ने जल्द ही युग का गला नहीं छोड़ा तो वो कुछ ही पल बाद अपना दम तोड़ देगा। अब तो युग के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी, बस वो अपने हाथ पैर फड़फड़ाए जा रहा था। युग अपना दम तोड़ता उससे पहले ही उसकी चीखों की आवाज सुनकर वहां जानकी, अमोदिता और रजनी आ जाती है। वहां के हालात देखकर तो वो तीनों भी भौचक के रह जाती हैं। जानकी फुर्ती के साथ युग के पास जाती है और वंदना से उसका गला छुड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रही हो वंदना? युग का गला क्यों दबा रही हो? छोड़ो इसे। वंदना जानकी की बात का कुछ जवाब नहीं देती। उसका पूरा ध्यान अभी भी युग का गला दबाने पर था। जानकी अपने हाथों से युग का गला छुड़ाते हुए कहती है, वंदना मैं कहती हूँ छोड़ो युग का गला, वरना वो मर जाएगा, छोड़ो उसे। वंदना गुस्से में बड़बड़ाती है, नहीं नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। इसने यक्षिणी का दरवाजा खोल दिया है, मुझे सब पता है। वंदना की बात सुनकर रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये पागल क्या बकबक कर रही है? जानकी वंदना को समझाते हुए कहती है, वंदना युग ने बस ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा खोला है। यक्षिणी जहां पर कैद थी वो कमरा नहीं खोला है, समझी? वो अभी भी वहीं पर कैद है। वंदना और कसकर युग का गला दबाते हुए कहती है, नहीं इसने खोला है, ये झूठ बोलता है, मुझे सब पता है इसने दरवाजा खोला है। जानकी वंदना को बार बार समझाए जा रही थी पर वो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसका बस एक ही मकसद था, युग का दम तोड़ना। वंदना के हाथों युग को बचाने के लिए रजनी भी उसके पास आ जाती है और युग का गला छुड़ाने लग जाती है। अमोदिता दरवाजे की दहलीज पर ही मंत्रमुग्ध होकर खड़ी हुई थी। उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वंदना को इस हालत में देखकर अक्सर वो घबरा जाती थी क्योंकि उसे लगता था वंदना के ऊपर किसी का साया है। युग, जानकी और रजनी तीनों से ही वंदना नहीं संभल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाजुओं में 100 पहलवानों की ताकत आ गई थी। ये एक चौंकाने वाली बात थी कि एक दुबली पतली स्त्री में अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई थी। रजनी अमोदिता पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, तू वहां पर खड़ी तमाशा क्या देख रही है? जल्दी से वंदना को इंजेक्शन लगाना। अमोदिता हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ माँ अभी लगाती हूँ, 2 मिनट। इतना कहकर अमोदिता कमरे के अंदर घुसती है और टेबल पर ही रखा एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उठाती है और वंदना के हाथ में लगा देती है। जैसे ही एनेस्थीसिया का लिक्विड वंदना के शरीर के अंदर प्रवेश करता है, वंदना बेहोश हो जाती है। जानकी और रजनी मिलकर वंदना को बिस्तर पर लिटा देती है।
रजनी अमोदिता पर अभिमान करते हुए कहती है, अच्छा हुआ मेरी बेटी अमोदिता ने A&M का कोर्स करके रखा है, वरना युग की तो जान ही निकल जाती। तुम्हें पता है युग बेटा, हमारे गांव और आसपास के गांव में एक भी डॉक्टर नहीं है। जब भी कोई बीमार पड़ता है तो सीधे मेरी बेटी अमोदिता के पास ही आता है। किसी डॉक्टर से कम नहीं है मेरी बेटी। युग कुछ जवाब नहीं देता। उसके दिमाग में तो अभी भी ये बात घूम रही थी कि वंदना को कैसे पता कि उसने यक्षिणी का कमरा खोला था। कुछ ही देर बाद सभी लोग वंदना के कमरे से बाहर निकल जाते हैं। युग अपनी बड़ी माँ जानकी के कमरे में बैठा हुआ था और उनसे अपने सिर की चंपी करवा रहा था। जानकी युग की चंपी करते हुए कहती है, युग बेटा तुझे पता है बचपन में अक्सर मैं ही तेरी कंघे किया करती थी, तुझे नहलाती थी, तुझे तैयार करके नजर का टीका लगाकर तेरे दोस्तों के साथ खेलने भेजा करती थी। युग कुछ नहीं कहता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी ख्याल में खोया हुआ था। जानकी युग को उसके बचपन की और बातें बताते हुए कहती है, बचपन में तू बहुत गोलू मोलू था, ये अमोदिता तो तुझे मोटू मोटू करके चढ़ाया करती थी और मैं उसे धमकी देती थी, खबरदार जो मेरे युग को मोटू बोला तो। पर बेटा अब तू ना बहुत दुबला हो गया, शहर में तुझे ढंग से खाना नहीं मिलता क्या? तू खुद खाना बनाता है या कोई बाई लगवा कर रखी है? युग अभी भी जानकी के सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उसके और वंदना के बीच हुए हादसे से उभर नहीं पाया था। जानकी चंपी करना रोक देती है और धीरे से युग से पूछती है, क्या सोच रहे हो युग बेटा? युग अपना सिर ना में हिलाते हुए कहता है, कुछ नहीं बड़ी माँ। बड़ी माँ भी कहते हो और बड़ी माँ से झूठ भी बोलते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी वंदना भाभी की हालत ऐसे कैसे हुई? हाँ बड़ी माँ, मैं यही सोच रहा हूँ। ये वो वंदना भाभी नहीं है जिनके साथ बचपन में मैं खेला करता था। वो भाभी हमेशा हंसती खेलती रहती थी और ये भाभी, ये तेरी वो वंदना भाभी हो भी कैसे सकती है बेटा? वो वंदना तो तब ही मर गई थी जब उसका पति और मेरा बेटा विराट मरा था। इतना कहते ही जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युग जानकी के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप रोइए मत बड़ी माँ। कैसे ना रोऊं बेटा, जिस माँ ने अपना जवान बेटा खो दिया हो वो माँ भला रोएगी नहीं तो क्या करेगी? युग कुछ नहीं कहता। वो जानकी के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। जानकी रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है युग बेटा, उस यक्षिणी ने ही तुम्हारे बड़े भाई को मारा था। एक बूंद तक खून के उसके शरीर में नहीं छोड़ी थी, पूरा शरीर सफेद पड़ गया था उसका। पर बड़ी माँ, यक्षिणी ने ऐसा क्यों किया था? उन्होंने भैया को क्यों मारा था? उस यक्षिणी को किसी को मारने के लिए वजह की थोड़ी ना जरूरत पड़ती है बेटा। वो तो बस जो भी मर्द अमावस्या और पूर्णिमा की रात कृष्णोई नदी पार करता था उसके साथ सब भोग करके उसे मार देती है। उसे एक अभिशाप मिला था। कैसा अभिशाप बड़ी माँ? वही तो नहीं पता बेटा, पर सुना है दूसरे लोग से आई थी और एक अभिशाप मिलने के कारण ये सब कर रही थी। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर ये अभिशाप है क्या जिसके बारे में ये सब बातें तो करते हैं पर किसी को पता नहीं है? जानकी एक लंबी सांस लेते हुए कहती है, तुम्हारे बड़े भाई विराट की मौत के बाद एक दिन तुम्हारी भाभी हम लोगों को बिना बताए उस ग्रेवयार्ड कोठी में गई थी। जब वो वहां से लौटी तब से ही उसकी ऐसी हालत है। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ फायदा नहीं हुआ, यहां तक कि झाड़ फूंक भी करवाई पर किसी काम नहीं आया। बाबाओं का तो कहना था यक्षिणी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है जिस वजह से ये ऐसी हो गई है। जानकी की बात सुनकर युग की आंखों में आंसू आ गए थे। जानकी अपनी बातों को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये बात ज्यादा ना फैले और तुम्हारे बड़े पापा की बदनामी ना हो इसलिए हम ही लोगों ने वंदना को कमरे में बंद करके रखा है। ना उसे किसी से मिलने देते हैं, ना वो किसी से मिलती है। एक जिंदा लाश की तरह बन गई है बस बेचारी। कभी कभी तो मुझे भी उसकी हालत पर रोना आता है,
पर मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। जानकी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, जब वंदना उस ग्रेवयार्ड कोठी से वापस आई थी, तब से लेकर आज तक बस वो एक ही रट लगाई हुई है, तूने दरवाजा क्यों खोला। मुझे सब पता है, पता नहीं उस ग्रेवयार्ड कोठी में क्या हुआ था उसके साथ, उसने ग्रेवयार्ड कोठी में कहां का दरवाजा खोला और उसे क्या पता चल गया था, ये बात सिर्फ वंदना और तेरे पापा को ही पता थी। युग हैरानी के साथ कहते हैं, क्या कहा, मेरे पापा को? हाँ बेटा, उस वक्त तेरे पापा ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा करते थे, पर तेरे पापा की मौत के बाद वो राज भी दब गया। आपने कभी पापा से पूछा नहीं कि जब वंदना भाभी ग्रेवयार्ड कोठी गई थी तो उनके साथ क्या हुआ था? कैसे पूछते बेटा, तुझे तो पता ही है, तेरे बड़े पापा ने तेरे पापा से सारे रिश्ते जो तोड़ दिए थे, कहा था यदि दरवाजे की दहलीज भी पार की तो कभी वापस कदम मत रखना। जानकी की सारी बातें सुनकर युग शांत हो गया था, उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इन सब बातों पर विश्वास करे या नहीं, पर अभी तक उसने जो भी देखा था उसका जी बार बार इन सब बातों पर यकीन करने की गवाही दे रहा था। युग कुछ सोचते हुए कहता है, अच्छा, तभी वंदना भाभी मुझसे कह रही थी कि तूने दरवाजा क्यों खोला। मुझे सब पता है, क्योंकि जब से ग्रेवयार्ड कोठी से लौटी है यही बड़बड़ाई जा रही है। जानकी हैरानी के साथ कहती है, हाँ पर युग बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, कहीं तूने सच में तो यक्षिणी का कमरा नहीं खोला ना? जानकी का सवाल सुनकर युग के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि बड़ी माँ को सच बताऊं या नहीं बताऊं। जानकी उस पर दबाव बनाते हुए कहती है, बताओ युग बेटा, तुमने वो दरवाजा तो नहीं खोला ना? युग जानकी के सवाल का जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर रजनी और अमोदिता आ जाती है। रजनी कमरे के अंदर घुसते हुए कहती है, अच्छा तो युग, तुम चंपी करवा रहे हो, तुम्हें पता है हमारी अमोदिता बहुत अच्छी चंपी करती है, उसके हाथ से एक बार चंपी करवाओगे तो हमेशा करवाते रहोगे। रजनी अपनी आंखों से अमोदिता को इशारा करते हुए कहती है, अरे अमोदिता खड़ी क्या है, जाकर युग की चंपी कर दे और थोड़ा तेरी बुआ को आराम करने दे, कितना काम करेगी वो इस उम्र में। अमोदिता रजनी का इशारा समझ जाती है कि वो क्यों युग की चंपी करने का इशारा कर रही थी, ताकि चंपी के बहाने वो उसका एक बाल तोड़ सके उस पर काला जादू करने के लिए। अमोदिता युग की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहती है, बुआ जी लाइए, मैं कर देती हूँ युग जी की चंपी। युग अमोदिता को मना करते हुए कहता है, अरे नहीं अमोदिता, हो गई है चंपी, बड़ी माँ बहुत देर से कर रही थी, ज्यादा चंपी करने से बाल खराब हो जाते हैं। रजनी मन ही मन सोचने लग जाती है कि युग अमोदिता को कुछ भी करने के लिए मना क्यों कर देता है। युग अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है, अच्छा बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। रजनी फटाक से कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो युग बेटा? ग्रेवयार्ड कोठी मामी जी, आखिर वही तो मेरा घर है ना, हमारे तो सारे रिश्ते नाते बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। ये बात सुनकर रजनी चुप हो जाती है। जानकी युग को समझाते हुए कहती है, युग बेटा तुम अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हुए हो, लगता है तुम अभी भी हमसे नाराज हो। जानकी अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, अगर तुमने हमें अभी भी माफ नहीं किया तो मैं हाथ। जानकी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उनके हाथ पकड़ते हुए कहता है, आप ये क्या कर रही है बड़ी माँ, आप बड़ी है मुझसे। जानकी कहती है, अगर मैं तुमसे बड़ी हूँ तो क्या तुम बड़ों का कहना नहीं मानोगे, आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, देखो कितने सालों बाद आए हो तुम, तुम्हारे आने से इस हवेली की रौनक फिर से लौट आई है। रजनी भी युग को रोकना चाहती थी ताकि उस पर काला जादू कर सके, वो भी जानकी का साथ देते हुए कहती है, हाँ युग बेटा रुक जाओ ना, भाभी कितने प्यार से कह रही है। जानकी और रजनी के दबाव देने पर युग उनकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है बड़ी माँ और मामी, आप दोनों कहती है तो मैं सिर्फ आप दोनों की खुशी के लिए रुक जाता हूँ। रजनी खुश होते हुए कहती है, मुझे तो पूरा यकीन था बेटा तुम हमारी बात कभी नहीं टालोगे, तो फिर अब बताओ आज रात क्या खाओगे तुम, तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाएगी मेरी अमोदिता, अमोदिता खाना भी बहुत बढ़िया बनाती है, वैसे मेरी अमोदिता सभी कामों में माहिर है,
बस अपने चेहरे के रंग से पीछे छूट जाती है। युग रजनी को टोकते हुए कहता है, मामी अब ऐसा क्यों बोलती है, इंसान के रंग से थोड़ी कुछ होता है, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं उसके कर्म से होती है मामी जी। युग की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है, वो मन ही मन सोचने लग जाती है, लगता है युग को अमुदिता पसंद आ गई, तभी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। अमुदिता युग से कहती है, बताइए ना युग जी आप क्या खाएंगे। कुछ भी बना लो अमुदिता, जो तुम्हें ठीक लगे, शहर में अकेले रहकर सब कुछ खाने की आदत हो गई है। ठीक है युग जी। इतना कहकर अमुदिता वहां से चली जाती है। रात हो चुकी थी, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे हुए थे। अमुदिता और बल्लू काका दोनों मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। सुबह से लेकर रात तक अमुदिता युग का बाल तोड़ने की कई कोशिशें कर चुकी थी, पर वो सारी ही कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। रजनी अमुदिता से कहती है, अरे अमुदिता युग को और चावल दो ना। अमुदिता युग को चावल देने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी युग चावल लेने से मना करते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं अमुदिता मैं पहले ही ज्यादा खा चुका हूँ। रजनी कहती है, अरे अभी तो तुमने कुछ खाया ही नहीं है बेटा। दिलीप अपनी बुलंद आवाज में कहता है, इसको समझा दिया सब। सुदेश हिचकिचाते हुए कहता है, अभी नहीं भैया। तो जल्द ही समझा दो, ज्यादा वक्त नहीं है। युग बीच में ही बोल पड़ता है, ये आप लोग क्या समझाने की बात कर रहे हैं। सुदेश प्यार से युग से कहता है, वो युग बेटा आज ना गांव में ग्रेवयार्ड कोठी के सिलसिले में मीटिंग बैठी थी और मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि तुम्हें वो ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी। युग अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा, ग्रेवयार्ड कोठी बंद करनी पड़ेगी, पर क्यों? तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि वो कोठी यक्षिणी का दूसरा ठिकाना थी और वहीं पर यक्षिणी को कैद किया गया था। जब से कोठी खुली है गांव में दहशत का माहौल है, तो दोनों गांव वाले चाहते हैं कि वो कोठी बंद हो जाए। पर मैं वो कोठी बंद नहीं करने वाला, वो कोठी मेरी है और अब मैं वहीं पर रहूंगा। युग की बात सुनकर दिलीप को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह फुलाते हुए कहता है, सुदेश कह दो इससे, अगर इसे गांव में रहना है तो हमारे हुक्म का पालन करना पड़ेगा। आज से पहले भी इसके पिता ने कोठी खोली थी और भुगतना हमें पड़ा था। युग इस तंज का कुछ जवाब देता, उससे पहले ही सुदेश भी युग को समझाते हुए कहता है, देखो युग बेटा तुम रहना चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। किस घर की बात कर रहे हैं मामा जी आप, हमारे रिश्ते तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं ना। युग की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। युग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मेरा खाना हो गया है बड़ी माँ, अब मैं निकलता हूँ। जानकी युग को रोकते हुए कहती है, पर बेटा तुम तो आज रात यहीं पर रुकने वाले थे ना। हाँ बड़ी माँ, रुकने वाला था, पर यहाँ इतना कुछ हो गया है ना कि अब मन नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप वंदना भाभी और सबका ख्याल रखिएगा। इतना कहकर युग बिना कुछ सुने ही वहां से चला जाता है। जब युग किश्नोई नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर जमकर बारिश हुई थी, जिस कारण नदी में गर्दन तक पानी भर गया था। युग के तो समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन में तो घुटनों के नीचे तक पानी था, अचानक से नदी में इतना पानी कैसे आ गया। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। युग सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे, झगड़ा करके आने के बाद तो वो वापस घर भी नहीं जा सकता था और रात भर नदी के पास यूं रुका भी नहीं जा सकता था। नदी के आसपास उसके सिवा कोई और भी नहीं था। युग सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसे नदी के किनारे पर कई सारे जुगनू एक साथ जगमग जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। वहां पर करीब 50-60 जुगनुओं का एक झुंड था, जिनकी जगमग रोशनी की वजह से वहां पर कभी पीला उजाला तो कभी अंधेरा दिखता था। युग उन जुगनुओं को एक तक नजर से देख ही रहा था कि तभी वो जुगनू एक एक करके उसके झुंड में से अलग होने लग जाते हैं और किसी कलाकृति का आकार लेने लग जाते हैं। वो जुगनू एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक जाते हैं और वहीं पर रुककर जगमगाने लग जाते हैं। देखते ही देखते वो जुगनू एक लड़की की कलाकृति बना लेते हैं। उन जुगनुओं को दूर से देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे किसी लड़की के बदन के हर एक अंग पर एक जुगनू बैठा हुआ हो। ऐसे दृश्य की युग कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया था। जुगनुओं का लड़की की कलाकृति के रूप में चमकना युग को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा था। युग चाहकर भी अपने कदमों को नहीं रोक पा रहा था और उसके पैर खुद ब खुद जुगनुओं की उस कलाकृति के पास बढ़ने लग जाते हैं। जब युग उन जुगनुओं की कलाकृतियों के पास पहुंचता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर तक तो वो मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहता है। वो अपने हाथों से अपनी आंखों को 2 से 3 बार मसलता है। उसे अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। युग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर ये मेरी आंखों का धोखा है। युग के सामने एक लड़की थी जिसके बदन के चारों तरफ सच में जुगनू बैठे हुए थे। उस लड़की का मुंह दूसरे साइड था जिस कारण युग को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस लड़की का सुडौल बदन था। वैसे तो युग का अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से काबू था, पर पता नहीं क्या जादू था उस लड़की के बदन में, जिसे देखकर युग के अंदर की भी वासना जाग गई थी। पर जैसे ही उसके मन में यक्षिणी का ख्याल आया तो उसके पैर डर के मारे कांपने लग गए। वो मन ही मन सोचने लग गया, कहीं ये यक्षिणी तो नहीं, मैंने अभिमन्यु ने दरवाजा खोलकर इसे आजाद तो नहीं कर दिया। युग डरते हुए उस लड़की को हाथ लगाने लग जाता है और लड़खड़ाती जुबान से कहता है, ये यक्षिणी। जैसे ही युग उस लड़की को छूता है, लड़की के बदन पर बैठे सारे जुगनू हवा में तीतर भीतर उड़ने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे युग ने उन जुगनुओं को डिस्टर्ब कर दिया हो। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो युग उसकी आंखों में देखकर खोसा जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर युग मदहोश हो गया था। उस लड़की का लंबा चेहरा था, सुनहरी आंखें, कमर तक लंबे बाल, जिसकी उसने लंबी सी चोटी गूंथ कर रखी हुई थी। उसने अपने गोरे बदन पर ब्लैक ब्लाउज पहना हुआ था और कमर के नीचे के हिस्से में तकमान गोल लपेटा हुआ था। तकमान हाथ से बुना हुआ सूती का कपड़ा होता है। उस लड़की का बस पेट का हिस्सा नग्न था, जिसमें उसकी नाभि युग को साफ साफ दिख रही थी। रात के अंधेरे में वो लड़की इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी भी मर्द के तन बदन में आग लग जाए। युग मंत्र मुग्ध अवस्था में खड़े होकर उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक निहारे जा रहा था। उसके बदन की एक एक अंग की बनावट को देख रहा था। अपने आप को निहारता हुआ देख वो लड़की अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, कौन हो बाबू तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आती एक पराई लड़की को इस तरह देखने में। उस लड़की का बदन देखकर युग अपनी सद्बुद्धि खो बैठा था। उस लड़की को देखकर युग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ रही थी, जिससे वो कॉलेज में प्यार करता था। वो भी कुछ इसी तरह दिखती थी, इतनी ही सुंदर और मनमोहक। वो लड़की युग की आंखों के सामने अपना हाथ आगे पीछे हिलाते हुए कहती है, ओ बाबू क्या देख रहे हो, दूसरे लोग से आए हो क्या, कभी लड़की नहीं देखी। उस लड़की के हाथ को देखकर युग मदहोशी के आलम से बाहर आ जाता है। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो वो लड़की फिर कहती है, अरे बाबू कुछ बोलोगे भी कि नहीं, कहीं गूंगे तो नहीं हो। अचानक से उस लड़की को देखकर फिर युग के मन में यक्षिणी का ख्याल आने लग जाता है और वो बड़बड़ाते हुए कहता है, यक्षिणी। वो लड़की हंसते हुए कहती है, यक्षिणी नहीं यामिनी, यामिनी नाम है हमारा बाबू। युग यामिनी का नाम लेते हुए कहता है, अच्छा यामिनी, हाँ बाबू बिल्कुल सही कहा आपने। यक्षिणी का डर युग के मन से अभी भी गया नहीं था और वो यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, तो तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी बारिश में। यामिनी धीरे धीरे कहती है, इतनी रात में मैं यहाँ पर शिकार करने आई थी और वो मुझे मिल गया। यामिनी की बात सुनकर युग बिचक जाता है और डरने लगता है। यामिनी युग को छूने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे डरिए मत बाबू, मैं यक्षिणी नहीं हूँ। जैसे ही यामिनी युग को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, युग झट से पीछे हट जाता है। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू मैं यक्षिणी नहीं हूँ, मछुआरन हूँ और मछली का शिकार करने आई थी, मर्दों का नहीं। युग अभी भी यामिनी की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। युग यामिनी को घूरते हुए कहता है,
चलो मान लेता हूँ कि तुम मछुआरन हो, पर बारिश में कौन मछली पकड़ता है? बाबू, जब इंसान के पास खाने के लाले पड़े होते हैं ना, तो उसे वो काम भी करना पड़ता है जो करना नामुमकिन हो। रात में मछली पकड़ूंगी तभी तो सवेरे बेचूंगी ना, और अपने बूढ़े बाबा का पेट पाल पाऊंगी। और ये बारिश क्या है, भूलिए मत, ये मेघालय है, और मेघालय में जब देखो बारिश तो होती ही रहती है। अब युग को यामिनी की बातों पर भरोसा होने लग गया था। धीरे धीरे वो यक्षिणी के खौफ से बाहर निकल रहा था, पर पूरी तसल्ली करने के लिए कोई एक और सवाल उस लड़की पर ताक देता है और पूछता है, अगर तुम्हें मछली पकड़नी है तो तुम्हारे पास तो जाल वाल कुछ है ही नहीं, और जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी, मछली तो पकड़ नहीं रही थी। अरे बाबू, जाल तो तब दिखेगा ना जब होगा। जाल तो मैं बिछा चुकी हूँ और जल्द ही मछली उसमें फंस भी जाएगी। यामिनी की बात सुनकर योग एक गहरा घूंट अपने गले से नीचे उतारता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, और रही बात मेरे खड़े होने की, तो जाल बिछाकर मैं मछली का उसमें फंसने का ही तो इंतजार कर रही थी कि तभी मुझे मेरे दोस्त दिख गए। योग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, दोस्त दिख गए? पर मुझे तो कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर सवाए जुगनुओं के। यामिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबू, वही तो मेरे दोस्त है, आपको पता है वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, और मैं उन्हें। जब मैं देर रात तक यहाँ पर रहती हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं रहता सिवाय इन जुगनुओं के। ये जुगनू अपनी जगमग रोशनी से मुझे रास्ता दिखाते हैं, और आपको पता है ये जुगनू ना रात के वक्त ही। यामिनी बोलते बोलते रुक जाती है। युग गहरी सांस लेते हुए कहता है, रात के वक्त क्या? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए धीरे से कहती है, ये जुगनू रात के वक्त ही संभोग करते हैं। यामिनी की ये बात सुनकर युग खांसने का नाटक करने लग जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ये लड़की होकर कैसी बातें कर रही है। युग टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? यामिनी शर्माते हुए कहती है, बाबू, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हमने जुगनू के संभोग की क्या बात की, आप तो हमारे साथ ही संभोग करने की। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे अरे, मेरी बात तो पहले सुन लो तुम, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम तो कुछ भी सोच रही हो, मुझे नदी पार करनी है, क्या तुम मेरी नदी पार करने में मदद कर सकती हो? आपको मरना है क्या बाबू? युग हिचकिचाते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? ऐसा नहीं बोलू तो क्या बोलू बाबू? यामिनी अपने हाथ से नदी की ओर इशारा करते हुए कहती है, आपको दिख नहीं रहा नदी में कितना तेज बहाव है और पानी भी कितना ज्यादा है, अगर डोंगी का जरा सा भी संतुलन बिगड़ा ना तो सीधे नदी के अंदर होंगे। युग हैरानी के साथ कहता है, डोंगी मतलब? डोंगी नाव की तरह होती है बाबू, बस उससे थोड़ी अलग होती है, उसका उपयोग भी नदी पार करने के लिए ही किया जाता है। नाव हो या डोंगी हो, जो भी हो तुम्हारे पास, मुझे सब चलेगा, बस मुझे कैसे भी करके आज ही रात नदी पार करनी है, वो तुम करवा दो। यामिनी युग को मना करते हुए कहती है, नहीं बाबू, मैं नहीं जाने वाली इतनी रात में नदी में, देखो प्लीज मेरी मदद कर दो। युग यामिनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर समझ गया था कि वो ऐसे नहीं मानने वाली, इसलिए वो उसके हालात का फायदा उठाते हुए कहता है, देखो मुझे तो नहीं लगता कि आज रात तुम्हारे जाल में कोई मछली फंसने वाली है, और यदि कोई मछली नहीं फंसी तो सवेरे बेचोगे क्या, और फिर अपने बाबा का पेट कैसे भरोगी, इसलिए मेरी बात मानो, तुम मुझे नदी पार करवा दो, मैं इसके बदले तुम्हें पैसे दे दूंगा। यामिनी युग की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करे। यामिनी कुछ सोच पाती उससे पहले ही युग कहता है, अरे इतना सोच क्या रही हो, घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते ऐसे। यामिनी धीरे से कहती है, कितने पैसे देंगे बाबू आप? देखो वैसे तो 50 रुपए लगते हैं, पर तुम 100 ले लेना। यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, बस 100 रुपए? आजकल 100 रुपए में होता ही क्या है बाबू, 100 रुपए के लिए मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालने वाली। देखो ऐसा करो, तुम 200 ले लो, पर इससे ज्यादा नहीं दे सकता, अभी मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, मेरी मजबूरी समझो। यामिनी युग को नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाती है।
युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, तो कहां पर है तुम्हारी वो डोंगी जिसे तुम मुझे नदी पार करवाने वाली हो? यामिनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, वो रही। जब युग उस ओर नजरे करता है तो देखता है कि वहां पर एक बहुत पुरानी लकड़ी की गोल डोंगी थी जिसमें ज्यादा जगह नहीं थी, सिर्फ 2-3 लोग ही बैठ सकते थे। यामिनी तो उसमें झट से बैठ जाती है, पर युग डरते हुए आराम से उसमें बैठता है और दोनों नदी पार करने निकल जाते हैं। इस तरफ रात के 12 बज गए थे और रजनी ने वापस कमरे में कुछ ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस चीज को वो सवेरे से ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली थी, जिस कारण वो काफी परेशान हो गई थी। कमरे में सुबह के मुकाबले रात में ज्यादा चीजें अस्त व्यस्त तरीके से फैली हुई थी। रजनी कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी कोई पीछे से उसकी कमर पकड़ लेता है। रजनी को जैसे ही इस चीज का एहसास होता है वो झट से पीछे मुड़ते हुए कहती है, कौन है? जब रजनी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी कमर और किसी ने नहीं बल्कि उसके पति सुदेश ने पकड़ी थी। सुदेश प्यार के मूड में कहता है, ये इतनी रात में तुम क्या ढूंढ रही हो रजनी? ये तो हमारे सोने का वक्त है ना, चलो सोते हैं। रजनी चढ़ते हुए कहती है, तुमको सोने के सिवा कुछ और भी आता है? भूलो मत तुम्हारे घर एक जवान लड़की है जिसकी तुम्हें शादी करवानी है। सुदेश अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब हमारे सोने का अमोदिता की शादी से क्या लेना देना? रजनी गुस्से से कहती है, तुम ना छोड़ मुझे, मुझे अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। सुदेश प्यार से कहता है, काम करने के लिए ही तो तुम्हें बुला रहा हूं, अब वो काम तुम्हारे बगैर थोड़ी कर सकता हूँ। सुदेश की बात सुनकर रजनी और गुस्से से भिन्ना जाती है और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहती है, तुम ना चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ, कुछ होता तो नहीं है तुमसे, बस सोना है। रजनी का गुस्सा देखकर सुदेश चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाता है। रजनी ने सारी अलमारी का सामान बिखरा दिया था, पर जो चीज वो ढूंढ रही थी वो उसे नहीं मिली थी। उसने अलमारी के सारे कपड़े निकालकर बाहर फेंक दिए थे, उसकी साड़ियों की घड़ी भी बिगड़ गई थी। सुबह से ही कोई चीज ढूंढने के कारण उसका सिर दर्द करने लग जाता है और वो अपनी जिद छोड़ देती है। रजनी बिस्तर पर बैठते हुए कहती है, हटो मुझे सोने दो। सुदेश बिस्तर पर ही सरकते हुए कहता है, लगता है तुम्हारा मूड भी बन गया। हाँ तुम औरतें ना ऐसी ही होती हो, तुम्हारा मन भी करता है करने का पर नाटक करती हो ताकि मर्द तुम्हें मनाए। रजनी फिर गुस्से से उबलते हुए कहती है, मैंने कहा मेरा सिर दर्द कर रहा है, सोने दो मुझे, खबरदार अगर मुझे तुमने छुआ भी तो, समझे? रजनी की बुलंद आवाज सुनकर सुदेश पीछे हट जाता है। रजनी पीठ के बल लेटकर सोने लग जाती है। सुदेश रजनी के आसपास ही देख रहा था कि तभी उसकी नजरें कमरे में अस्त व्यस्त फैले सामान पर पड़ती है और वो कहता है, अरे ये क्या, तुमने सामान तो सारा फैला रखा है, ये क्या रात भर ऐसे ही फैला रहेगा? तुम्हें पता है ना मुझे गंदगी पसंद नहीं। रजनी की आंखें बंद ही थी और वो कहती है, अगर पसंद नहीं तो खुद कर लो सफाई, बहुत गर्मी है ना तुम्हारे अंदर, अब सफाई करके सारी गर्मी उतार दो, समझे? सुदेश रजनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता और उसके कहने पर कमरे की सफाई करने लग जाता है। कहने को तो सुदेश का रजनी पर हुक्म चलता था पर वो सिर्फ घर वालों के सामने दिखावे के लिए, पर कमरे के अंदर का मामला कुछ और ही था। सुदेश रजनी से बहुत डर कर रहता था और उसके हुक्म का पालन करता था। कुछ ही देर में सुदेश ने कमरे की सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से जमा दी थी, बस झाड़ू लगानी बची हुई थी। सुदेश लंबी वाली झाड़ू उठाता है और लगाने लग जाता है, तभी उसकी नजर बेड के नीचे पड़ती है और वो देखता है कि बेड के नीचे बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। सुदेश बड़बड़ाते हुए कहता है, पता नहीं ये रजनी ने ना कब से झाड़ू नहीं लगाई, ये कुछ काम ढंग से करती ही नहीं है। इतना कहकर वो बेड के नीचे से झाड़ू निकालने लग जाता है। सुदेश ने अभी एक दो बार झाड़ू बेड के नीचे निकाली ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके झाड़ू से एक कोई ठोस चीज टकराई थी। सुदेश खुद से कहता है, अरे ये क्या था जो झाड़ू से टकराया? सुदेश झाड़ू की मदद से उस ठोस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करने लग जाता है और अपने कई प्रयासों के बाद वो ठोस चीज बाहर भी निकाल लेता है। जब वो ठोस चीज बाहर आती है तो सुदेश देखता है कि वो ठोस चीज और कुछ नहीं बल्कि एक मोटी सी बहुत पुरानी किताब थी। उस किताब में करीब 400-500 पेजेस थे।
सुदेश उस किताब को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, ये कौन सी किताब है और बेड के नीचे क्या कर रही थी? सुदेश फूंक मार मार कर उस किताब पर की धूल साफ करता है और उस पर लिखा पढ़ने लग जाता है। उस किताब के पहले पेज पर तीन शब्द लिखे हुए थे। सुदेश वो तीन शब्द पढ़ते हुए कहता है, तंत्र मंत्र यंत्र। जैसे ही सुदेश ये तीन शब्द पढ़ता है, रजनी की झट से आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सुदेश के हाथ में कोई ऐसी चीज लग गई थी जो नहीं लगनी चाहिए थी। सुदेश हैरानी के साथ रजनी से पूछता है, रजनी ये कैसी किताब है और किसकी है? सुदेश का सवाल सुनकर रजनी झट से बिस्तर पर से उठ जाती है और किताब सुदेश के हाथ से छीनते हुए कहती है, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? सुदेश बेड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये यहीं पर, ये अपना बेड है ना, इसके नीचे थी, मैं झाड़ू लगा रहा था तो तब दिखी। वैसे ये किताब किसकी है? बड़ी अजीब लगती है, आज से पहले ऐसी किताब कभी नहीं देखी मैंने। रजनी गुस्से से कहती है, तुमको क्या करना है, ये किताब किसी की भी रहे, तुम अपने काम से मतलब रखो ना। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो रजनी, मैं तो बस ऐसे ही सहूलियत के लिए पूछ रहा था। सुदेश रजनी से वो किताब मांगते हुए कहता है, जरा दिखाओ तो क्या लिखा है इस किताब में, मैं भी तो पढ़ूं, बड़ी रोचक किताब लग रही है। गुस्से से रजनी की आंख लाल हो गई थी। रजनी बड़ी बड़ी आंखें करके सुदेश को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा ना अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती क्या? जब सुदेश रजनी का गुस्से से भरा चेहरा देखता है तो वो डर जाता है। रजनी वो किताब लेकर कमरे से बाहर जाने लग जाती है। वो अभी दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि तभी सुदेश उसको रोकते हुए कहता है, अब इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो रजनी? रजनी सुदेश के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती और वापस से अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाने लग जाती है। रजनी सुदेश के करीब जाकर उसके सिर के पीछे के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सुदेश तुम्हें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए। यही बात रजनी दो बार दोहराती है। अगले ही पल ये बात सुदेश के कानों में गूंजने लग जाती है और वो भी बड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कहती हो, रात बहुत हो चुकी है, मुझे सो जाना चाहिए, मुझे सो जाना चाहिए। सुदेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रजनी ने सुदेश को पूरी तरह से अपने वश में करके रखा हो। मुझे सो जाना चाहिए बड़बड़ाते हुए ही सुदेश बिस्तर के ऊपर लेटकर सो जाता है। सुदेश के सोते ही रजनी वो किताब लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। रजनी अमोदिता के कमरे के सामने खड़ी हुई थी और उस कमरे का दरवाजा खटखटाए जा रही थी। रजनी फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल अमोदिता, दरवाजा खोल। रजनी बार बार अमोदिता को आवाज लगाए जा रही थी पर अमोदिता दरवाजा नहीं खोल रही थी। रजनी फिर फुसफुसाते हुए कहती है, दरवाजा खोल नालायक लड़की। 10-15 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब अमोदिता दरवाजा नहीं खोलती है तो वो एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, काली दुनिया के काले रिवाज, जो जाने जो माने करे राज। जैसे ही रजनी ये बात कहती है दरवाजा झट से खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे रजनी की ये बात अमोदिता के मन तक पहुंच गई थी और वही सुनकर उसने दरवाजा खोल दिया था। दरवाजे की दहलीज पर अमोदिता खड़ी हुई थी, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अमोदिता नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या है माँ, इतनी रात में क्यों उठाया मुझे? रजनी अमोदिता पर चढ़ते हुए कहती है, यहाँ पर मेरी नींद उड़ी पड़ी है और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही है, नालायक कहीं की, तुझे तेरी शादी की चिंता है या नहीं? माँ शादी की चिंता है तभी तो सो रही थी, वैसे भी शादी के बाद कहाँ ये पति लोग सोने देते हैं। तुमको पता है कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं, युग जी मेरे गले में मंगलसूत्र डालने ही वाले थे कि तभी तुमने वो काले जादू का मंत्र पढ़कर मुझे जगा दिया। तू
बस सपने ही देख। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो युग कभी तेरा नहीं होगा, समझी? रजनी की बात सुनकर अमोदिता का छोटा सा मुंह हो जाता है। अमोदिता यहाँ वहां देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर रजनी के हाथ में पकड़ी किताब पर पड़ती है और वो उस किताब को छूते हुए कहती है, ये रद्दी वाली किताब क्यों पकड़ी हुई है माँ तुमने अपने हाथों में? रजनी भिन्नाते हुए कहती है, हाथ मत लगाना इस किताब को नालायक लड़की, ये रद्दी वाली किताब नहीं है, यही वो किताब है जो तुझे युग क्या सब कुछ दिलवा सकती है। अमोदिता अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा माँ आपने, ये किताब मुझे सब कुछ दिलवा सकती है? हाँ, ये तंत्र मंत्र यंत्र की किताब है। अमोदिता धीरे से कहती है, ये तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है माँ, कहीं ये काले जादू की किताब तो नहीं है? रजनी अमोदिता की बात से सहमत होते हुए कहती है, हाँ तू ऐसा कह सकती है, देख मैं तुझे बताती हूँ, काले जादू में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है साधना, पूरा खेल साधना का ही है, जो जितने अच्छे से साधना करेगा वो उतने ही अच्छे तरीके से अपने शिकार को अपने जाल में फंसा पाएगा। काले जादू में तीन प्रकार की साधनाएं होती है, पहला तंत्र साधना, दूसरा मंत्र साधना और तीसरा यंत्र साधना। तंत्र साधना मतलब माँ? तंत्र शब्द का अर्थ है तन, यानी तन से जुड़ा है, ऐसी सिद्धियां जिन्हें पाने के लिए पहले तन को साधना पड़े उसे तंत्र साधना कहते हैं। तंत्र एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसमें खुद के शरीर को, किसी और के शरीर को या मृत शरीर को मंत्रों के और हठ योग द्वारा साध कर की जाने वाली तांत्रिक क्रियाएं होती है। इनका मकसद शारीरिक मानसिक रोग, अतृप्त आत्माओं से मुक्ति, ध्यान केंद्रित करना, सिद्धियां शक्तियां वशीकरण करना, मारण आकर्षण, यक्षिणी साधना प्राप्त करना होता है। यक्षिणी का नाम सुनते ही अमोदिता झट से अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, क्या कहा आपने, यक्षिणी साधना, ये क्या होती है माँ? सही सुना तूने, यक्षिणी साधना, पर ये तेरे काम की नहीं है, तू बस वशीकरण सीख, समझी? पर माँ मुझे बताइए ना थोड़ा बहुत ये यक्षिणी साधना के बारे में। मैंने कहा ना ये तेरे काम की नहीं है। पर माँ मैं जानना चाहती हूँ। अगर जानना चाहती है तो पहले वो सीख जो मैं सिखा रही हूँ, समझी? जिस तरह गणित में जीरो से शुरुआत होती है वैसे ही काली दुनिया में इनकी परिभाषाओं से शुरुआत होती है, एकदम से सब चीजें नहीं सिखाई जाती। तू ये मान ले कि आज से तेरा काला जादू सीखने का पहला अध्याय शुरू हो गया है, जैसे जैसे तू ये सब सीखते जाएगी वैसे वैसे मैं तुझे काले जादू की और गहराई के बारे में बताते जाऊंगी। अमोदिता हाँ में सिर हिला देती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अब मैं तुझे मंत्र साधना के बारे में बताती हूँ। मंत्रो ही गुप्तः विज्ञानम, अर्थात मंत्र एक गुप्त विज्ञान है जिससे गूढ़ रहस्य प्राप्त किए जा सकते हैं। मंत्र का अर्थ है मन को एक तंत्र में लाना। मन जब मंत्र के अंदर हो जाता है तो वो सिद्ध हो जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। मंत्रों के जाप करने से एक ऐसी ध्वनि तरंगे कंपन उत्पन्न होती है जो आसपास के वातावरण में एक शक्ति का संचालन करती है। अमोदिता एक टक नजर से रजनी को ही देख रही थी और उसकी सारी बातें बड़े चाव से सुन रही थी। रजनी किताब के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, मंत्र साधना कई प्रकार की होती है। मंत्रों के प्रयोग से किसी देवी देवता, भूत या पिशाच, दानव आदि को साधा जा सकता है। तुझे पता है मंत्रों का प्रयोग पूजा पाठ और ग्रह शांति के लिए भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यंत्रों और तंत्रों को भी मंत्रों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। प्रत्येक यंत्र तंत्र का एक विशेष मंत्र होता है जिसे वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? किसे माँ? अरे वो गुप्त संदेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमोदिता कुछ सोचते हुए कहती है, कोड वर्ड। हाँ सही कहा, कोड वर्ड। ये मंत्र एक प्रकार से कोड वर्ड ही होते हैं। अमोदिता कुछ याद करते हुए कहती है, वो जैसे वो कौन सी फिल्म थी? हाँ याद आई, अली बाबा 40 चोर में जिस तरह वो बोलते हैं खुल जा सिम सिम और वो गुफा खुल जाती है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया तूने, खुल जा सिम सिम एक तरह का मंत्र था
और वो गुफा यंत्र जिससे वो संचालित हो रही थी। अब समझी? हाँ समझ गई माँ। अब मैं तुझे बताती हूँ सबसे आखिरी यानी यंत्र साधना के बारे में। यंत्र साधना को सभी सिद्धियां प्राप्त करने का द्वार भी कहा जाता है। यंत्र और मंत्र को हमें किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते। यदि यंत्र शरीर है तो मंत्र उस शरीर की आत्मा, जैसे आत्मा शरीर में निवास करती है वैसे ही अदृश्य शक्तियां इन यंत्रों में निवास करती है। रजनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अमोदिता बीच में उसे टोकते हुए कहती है, वो जैसे माँ तावीज में शक्ति होती है वैसे ही। हाँ तावीज भी एक प्रकार का यंत्र ही है। यंत्र को हम एक प्रकार से कवच भी बोल सकते हैं। यंत्र के अंदर किसी कागज, भोजपत्र या धातु पत्र पर स्याही से या किसी अन्य चीज साधना से आकृति रूप संख्या बनाई जाती है। यंत्र और कवच सभी तरह की मनोकामना पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण या धन अर्जन, सफलता, शत्रु निवारण, भूत बाधा निवारण, होनी अनहोनी से बचाव आदि के लिए यंत्र का कवच बनाया जाता है। अमुदिता रजनी के हाथ की किताब देखते हुए कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छी किताब है, तुम्हारे पास कहाँ से आई? यही तो मैं ढूंढ रही थी सुबह से, और मिली किसे? तेरे पापा को। अच्छा, पर माँ आपने जवाब नहीं दिया, ये किताब तुमको किसने दी? रजनी धीरे से कहती है, ये किताब मुझे मेरी माँ ने दी थी, और उन्हें उनकी माँ ने, और उन्हें उनकी माँ ने। मतलब ये जादू टोना करना हमारा पुश्तैनी काम है जो बरसों से चला आ रहा है। हाँ सही कहा, इसी की वजह से तो हमारा अस्तित्व है। पहले बहुत से लोगों को ये करना आता था, पर अब धीरे धीरे सब भूल गए। ये रहस्य कहीं लुप्त ना हो जाए इसलिए मेरी दादी की दादी ने ये सब बातें एक किताब में लिख दी थी, और ये वही किताब है, समझी? हम लोग सौदाइन हैं। ये सौदाइन क्या होता है माँ? वो मर्द जो जादू टोना करते हैं उन्हें सौदाया कहा जाता है, और वो औरत जो जादू टोना करती है उन्हें सौदाइन कहा जाता है, समझी? हाँ समझ गई माँ, मतलब आज से मैं भी सौदाइन। अरे पहले सीख तो जाए ये जादू टोना करना, सौदाइन बाद में बनना। चल अब ये बातें करना छोड़, अब बहुत बकबक करने लगी है तू। जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी वो करते हैं। रजनी किताब को एक हाथ में पकड़ती है और अपना राइट हैंड आगे करते हुए कहती है, ला युग का बाल दे मुझे। अमोदिता कुछ जवाब नहीं देती, मूर्ति बनकर खड़े रहती है। अरे नालायक खड़ी क्या है, मैं कुछ कह रही हूं ना तुझसे, युग का बाल दे। मैंने सुबह बोला था ना कि रात में उसके बाल से जादू टोना करेंगे। अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ आपने बोला तो था, पर वो क्या है ना, वो रजनी भिन्नाते हुए कहती है, अरे वो क्या लगा रखा है, सीधे सीधे बोल, तू युग का बाल तोड़ पाई या नहीं? माँ मैंने सोचा था जब युग जी सोएंगे तो चुपके से उनका बाल तोड़ लूंगी, पर वो तो खाना खाते ही निकल गए। अब आप ही बताइए मैं कैसे तोड़ती उनका बाल। तू ना नालायक की नालायक ही रहेगी, पूरा दिन था तेरे पास, क्या किया तूने? वो माँ अमोदिता कुछ कहती उससे पहले ही रजनी गुस्से में कहती है, चुप रह, मुझे कुछ नहीं सुनना। सोचा था आज से युग को अपने वश में करना शुरू कर देंगे, पर लगता है कल से ही ये क्रिया शुरू करनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुन, कल रात कैसे भी करके मुझे युग का बाल चाहिए। पर माँ मैं कहाँ से लाकर दूंगी युग जी का बाल, वो तो उस ग्रेवयार्ड कोठी में चले गए वापस से। अगर युग ग्रेवयार्ड कोठी में गया है तो तू भी चले जा, समझी? मुझे बहाने मत दे, काम करके दिखा जो मैंने तुझे बोला है। तुझे युग से शादी करनी है या नहीं? करनी है ना माँ, तो बस कल रात कैसे भी करके बाल ला कर दे मुझे, समझी? अमोदिता हाँ में अपना सिर हिला देती है। रजनी वहां से जाने लग जाती है, तभी अमोदिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे माँ अब इतनी रात में आप यहाँ तक आ ही गई हो ये जादू टोने की किताब लेकर, तो ये मुझे ही दे दो, मैं रात भर पढ़ लूंगी तो कल जादू टोना करने में आसानी होगी। रजनी गुस्से में उबलते हुए कहती है, नालायक लड़की, तू सही में नालायक की नालायक ही रहेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू मेरी बेटी है भी या नहीं। नहीं तू मेरी और सुदेश की बेटी तो हो ही नहीं सकती, हम तेरी तरह इतने काले थोड़ी है। जरूर नर्स ने बच्चा बदल दिया होगा उस रात और तुझे मेरी गोद में डाल दिया होगा।
रजनी की बात सुनकर अमोदिता का मुंह छोटा सा हो जाता है। उसके दिल को एक बहुत गहरी ठेस लगी थी, पर वो कहती कुछ नहीं, वो अपने आंसू अंदर ही अंदर पी लेती है। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, ये किताब कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है, जादू टोने की किताब है। अगर किताब पढ़ते वक्त भी जरा सा मंत्र यहाँ से वहाँ हुआ ना, तो मुसीबत आन पड़ेगी। जादू टोना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसको करने के भी कई नियम होते हैं, और पहला नियम ये होता है कि कोई गुरु बनाना पड़ता है, समझी? और तेरी गुरु मैं हूँ, मेरी इजाजत के बिना इस किताब को हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना तू नहीं जानती क्या हो जाएगा। अमोदिता डरते हुए कहती है, नहीं नहीं माँ, मैं नहीं लगाऊंगी इस किताब को हाथ तुम्हारी इजाजत के बगैर, पक्का तुम्हारी कसम, रजनी अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है। देख अमोदिता, अगर तुझे युग को अपना बनाना है तो सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमसे पहले ही युग को अपने वश में कर ले। इतना कहकर रजनी वहां से चली जाती है। इस तरफ युग और यामिनी डोंगी के अंदर थे और किश्नोई नदी पार कर रहे थे। उन दोनों ने आधी नदी पार कर ली थी। यामिनी के हाथों में चप्पू था जिसकी मदद से वो डोंगी को चला रही थी। युग ये देखकर हैरान था कि दिखने में तो यामिनी एक दुबली पतली लड़की थी, पर उसके बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वो युग जैसे भारी भरकम आदमी और डोंगी के वजन को अकेले ढो रही थी। युग यामिनी को चप्पू चलाते हुए देख रहा था, उसकी यामिनी से नजर हट ही नहीं रही थी। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और कहती है, ए बाबू क्या देख रहे हो, मेरा बदन? युग अपनी नजरें यामिनी के बदन से हटाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस नदी के पानी को देख रहा था। देखो हमारी डोंगी उतरते ही कैसे पानी का बहाव कम हो गया। होगा कैसे नहीं, आखिर ये सब मेरा हुक्म जो मानते हैं। युग बिचकते हुए कहता है, हुक्म मानते हैं मतलब? मतलब ये कि आपको पता नहीं है क्या बाबू, ये प्रकृति इंसान के बारे में सोचती है, बस हम ही इसके बारे में नहीं सोचते। तभी तो पानी का बहाव इसने कम कर दिया ताकि हम नदी पार कर सके। युग कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यामिनी कैसी बातें कर रही थी। यामिनी युग को देखते हुए कहती है, वैसे बाबू आप यहाँ के नहीं लगते, पर देसी है क्या? हाँ वो मैं बैंगलोर से आया हूँ, और मेरा नाम बाबू नहीं युग है, समझी? आपका नाम कुछ भी हो पर हम तो आपको बाबू ही कहेंगे, यही नाम हमने आपको दिया है। यामिनी की बात सुनकर युग हंसने लग जाता है। यामिनी को पलटकर कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था जवाब देना बेकार है। अचानक से युग के मन में एक सवाल आ जाता है और वो यामिनी से पूछता है, वैसे तुम रहती कहाँ पर हो यामिनी? ये किश्नोई नदी है ना, उसके रोंग कामुजा घाट के किनारे पर ही रहती हूँ मैं अपने बाबा के साथ। वो उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए सारे काम आजकल मुझे ही करने पड़ते हैं। अच्छा, और बाबू आप कहाँ पर रहते हैं? मैं ये काला झाड़ी जंगल के पास जो ग्रेवयार्ड कोठी है ना, वहां पर रहता हूँ। यामिनी धीरे से कहती है, ये तो मेरा घर है। यामिनी का जवाब सुनकर युग डर जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मेरा घर है मतलब? यामिनी हंसते हुए कहती है, मेरा घर नहीं बाबू, मैंने कहा वो तो यक्षिणी का घर है ना। यामिनी की बात सुनकर युग कुछ नहीं कहता, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। युग अभी भी यामिनी को देखकर घबरा रहा था, वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि उसके सामने जो लड़की बैठी थी वो यामिनी ही है या फिर यक्षिणी। यामिनी धीरे से कहती है, सुना है आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में ही उस यक्षिणी को कैद किया गया था, कहीं आपने वो कोठी खोलकर उसे उस कैद से रिहा तो नहीं कर दिया? युग मन ही मन सोचने लग जाता है, यही पता करने तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी जा रहा हूँ, पता नहीं अभिमन्यु ने सारी तैयारी करके रखी होगी या नहीं। मुझे कैसे भी करके पूर्णिमा आने से पहले ये पता करना ही होगा कि यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है या नहीं। जब योग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता तो यामिनी उसका हाथ छूते हुए कहती है, अरे कहाँ खो गए बाबू, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे।
यामिनी के छूने पर युग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है और कहता है, कहीं भी तो नहीं, तुम बोलो ना यामिनी, क्या बोल रही थी? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वो हम बोल रहे थे कि आपको डर नहीं लगता उस कोठी में रहने में? सुना है यक्षिणी बहुत ही शक्तिशाली थी, किश्नोई नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें मार दिया करती थी। बाबू, यदि आपको बुरा ना लगे तो एक सलाह दूं? युग झट से कहता है, कैसी सलाह यामिनी? मेरी सलाह तो यही है बाबू कि यदि कभी गलती से भी अगर यक्षिणी उस कैद से आजाद हो भी जाए तो आप कभी भी ये नदी पूर्णिमा या अमावस्या की रात पार मत करना, वरना वो सबसे पहले आपको ही अपना शिकार बनाएगी। यामिनी की ये बात सुनकर युग का गला सूख गया था। युग यामिनी से अपनी नजरें मिलाते हुए कहता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो यामिनी? यामिनी बेफिक्र होकर बोलती है, क्यों क्या क्यों बाबू, आप दिखते ही इतने अच्छे हो कि आपको देखते ही किसी भी लड़की का आप पर दिल आ जाए, तो फिर वो तो यक्षिणी है। अगर मैं यक्षिणी होती ना तो आपको ही अपना शिकार बनाती। यामिनी की बात सुनकर युग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। वो मन ही मन मुस्कुराने लग गया। वो पहली बार एक ऐसी गांव की लड़की को देख रहा था जो ऐसे बेधड़क होकर बातें किया करती थी। यामिनी को देखकर कई बार युग को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शालिनी की याद आ गई थी। युग की जिंदगी से शालिनी के चले जाने के बाद आज तक युग ने किसी लड़की से इतनी बातें नहीं की थी जितनी नदी पार करते वक्त उसने यामिनी से कर ली थी। पता नहीं क्या जादू था यामिनी के चेहरे और बदन में जिससे युग चाहकर भी अपने आप को यामिनी से बात करने से नहीं रोक पा रहा था। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अभिमन्यु, कायर और कछुआ साथ साथ जमीन पर बैठे हुए थे। उन तीनों के सामने शराब की 3 बॉटल रखी हुई थी, साथ ही कुछ डिस्पोजेबल और 2 बिस्लेरी पानी की बोतल भी थी। कछुआ ऊबते हुए कहता है, यार तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? बॉटल सामने रखी है, जल्दी जल्दी पैक बनाओ और कार्यक्रम शुरू करो। कायर कछुए पर बिचकते हुए कहता है, अरे पागल, पहले युग को तो आने दे, जिसकी कोठी है उसकी इजाजत के बिना ही कार्यक्रम शुरू कर देंगे क्या? यार इसमें इजाजत वाली क्या बात हो गई, युग दोस्त है हमारा, वो थोड़ी हमें उसके घर में कार्यक्रम करने से मना करेगा। आखिर वो दोस्त थी क्या जिसकी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए पहले उसकी इजाजत लेनी पड़े? हाँ सही कहा, वैसे भी ये दोस्ती में ना तेरा मेरा नहीं होता, दोस्ती में सब दोस्तों का ही होता है। कायर अभिमन्यु के कंधों पर हाथ मारते हुए कहता है, क्यों अभिमन्यु, क्या बोलता है, शुरू करे कार्यक्रम? अभिमन्यु कायर की बात का कुछ जवाब नहीं देता। वो तो मन ही मन कायर और कछुए को गालियां दे रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं इन दोनों कमीनों को कैसे भनक लग गई कि मैं यहाँ पर हूँ और साले यहाँ पर आ गए कार्यक्रम करने। सोचा था आज अपने भूत पकड़ने वाले डिवाइस की मदद से यक्षिणी का पता लगाऊंगा कि वो ग्रेवयार्ड कोठी में है या नहीं, पर इन दोनों बेवकूफों ने तो सब चौपट कर दिया। बचपन में भी ये दोनों मेरे सारे काम बिगाड़ते थे और अभी भी बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी कछुआ शराब की बोतल को अपने हाथ में लेता है और उसे चूमते हुए कहता है, बस जान थोड़ी देर और फिर तुम सीधा मेरे अंदर होगी और मेरी प्यास बुझाओगी। अभिमन्यु कछुए को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये कछुआ दिखने में तो हड्डी का ढांचा है पर पता नहीं इतनी कैसे पी लेता है, कुत्ता कहीं का, हरामी साला। कछुआ अपनी जगह से उठते हुए कहता है, यार तुम दोनों बैठो, मैं हल्का होकर आता हूँ, वरना शराब पीने के बाद हल्का होने गया तो तब तक गड़बड़ हो जाएगी ना। इतना कहकर कछुआ अपनी जगह से उठ जाता है। वो अभी एक दो कदम ही चला था कि तभी उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। कायर ठहाके मारते हुए कहता है, इस कछुए के तो बिना पिए ही पैर लड़खड़ा रहे, पता नहीं इसका पीने के बाद क्या हाल होने वाला है। कछुआ उठते हुए कहता है, यार जरूर ना कोई मुझे गाली दे रहा है तभी मैं गिरा, मेरी दादी कहती है हमें अक्सर ठोकर तभी लगती है जब आपका कोई करीबी दोस्त आपको गाली दे रहा हो। जैसे ही अभिमन्यु कछुए के मुंह से बात सुनता है घबराते हुए कहता है, कि क्या कहा तूने, तेरा कोई दोस्त तुझे गाली दे रहा है? कौन है जरा बता तो मुझे, किसकी हिम्मत हुई मेरे प्यारे कछुए दोस्त को गाली देने की? कछुआ अपनी कोहनी मलते हुए कहता है, पता नहीं कौन है, एक बात पता चल जाए उस दगाबाज दोस्त के बारे में फिर देखना कैसे उसे गालियां दी देकर ना गिराता हूँ मैं। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए मन ही मन सोचने लग जाता है, ये गाली देने का असर तो सच में होता है।
कायर अभिमन्यु और कछुए को टोकते हुए कहता है, यार तुम दोनों ये फालतू की बातें ना करना बंद करो, और अभिमन्यु तू बता क्या करना है, युग का इंतजार करें या नहीं, या फिर उसके बिना ही कार्यक्रम शुरू करें। कछुआ वापस से अपनी जगह पर उठते हुए कहता है, यार उसका इंतजार क्या करना, वैसे भी तो वो कहाँ पीता है, हम तीनों ही तो है पीने वाले, वो तो बस हमारा मुंह ताकता रहता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार कछुए बात तो तेरी सही है, पर फिर भी एक बार उसे बता देते तो सही रहता, वो दोस्त हुआ तो क्या हुआ, फिर भी आखिर ये उसका घर है, उसकी इजाजत के बिना हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। कायर कहता है, यार तो उसे फोन करके पूछ लेना हम यहाँ पर कार्यक्रम कर ले क्या, और ये भी पूछ लेना कि वो आ रहा है या नहीं, वैसे भी रात के 1 बज गए हैं, मुझे नहीं लगता वो इतनी रात में नदी पार करेगा। मैं तो शाम से उसे फोन लगा रहा हूँ, पर मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है उसका। यार तुझे तो पता ही है रॉन्ग कामुजा गांव में अक्सर लाइट की प्रॉब्लम होती है, और मैंने कहा ना वो नहीं आने वाला, आज 13 साल बाद अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है, तो एक दिन तो वहां पर रुक कर ही आएगा ना। कछुआ कायर का साथ देते हुए कहता है, यार मुझे तो कायर की बात में दम लगता है, मुझे भी यही लगता है कि युग नहीं आने वाला। यार बात तो तेरी भी सही है, पर कुछ देर और इंतजार करके देखते हैं ना, हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि उसे यहाँ पर एक बहुत जरूरी काम करना है। कायर और कछुआ दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसा काम? अभिमन्यु घबराने लग जाता है और सोचने लगता है कि ये जल्दबाजी में उसके मुंह से क्या निकल गया। कायर अभिमन्यु पर दबाव बनाते हुए कहता है, अभिमन्यु तू चुप क्यों हो गया, बताना क्या जरूरी काम है युग को जो आज रात उसे यहाँ पर आना पड़ेगा। अभिमन्यु बहाना बनाते हुए कहता है, अरे तुम दोनों को तो पता ही है ना कि युग यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप खोलने वाला है, तो उसी पर आज रात हम दोनों लंबी डिस्कशन करने वाले थे, तो ये जरूरी काम हुआ ही ना, रिश्तेदार थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यार युग के लिए उसका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है या उसके रिश्तेदार, इसका फैसला ना बाद में हो जाएगा, पर अभी मेरे लिए टॉयलेट जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना टैंक यहीं पर खाली हो जाएगा। इतना कहकर कछुआ भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लग जाता है। इस तरफ यामिनी और युग कृष्णोई नदी के बंगलामुड़ा घाट के किनारे पर पहुंचने वाले थे। युग अभी भी यामिनी को देखे जा रहा था, उसकी उससे नजरें ही नहीं हट रही थी, पता नहीं क्या जादू कर दिया था यामिनी ने युग के ऊपर। यामिनी डोंगी का चप्पू चला ही रही थी कि वो चप्पू चलाना रोक देती है और कहती है, बाबू बंगलामुड़ा घाट आ गया। युग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आते हुए कहता है, क्या कहा, घाट आ गया इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ बाबू, पूरा आधा घंटा लगा है नदी पार करने में। अरे आधा घंटा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ बातें करते करते। युग ने इतना ही कहा था कि तभी आसमान में जोरों की बिजली चमकती है। यामिनी बादलों को देखते हुए कहती है, लगता है आज रात जमकर बारिश होने वाली है। हाँ मुझे भी यही लगता है, मुझे जल्दी ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना चाहिए, तुम भी निकलो वरना यहीं पर फंस जाओगी। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी चल सकती हो। नहीं अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है, जब वक्त आएगा तब मैं खुद आ जाऊंगी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने? मैंने कहा बाबू अभी मैं नहीं आ सकती, घर पर मेरे बीमार बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं ना। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे बाबा भी है। इतना कहकर युग अपनी पैंट की जेब में से पर्स निकालता है और उसमें से 200 रुपए निकालकर यामिनी को दे देता है। यामिनी झट से वो पैसे ले लेती है। यामिनी के चेहरे की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। युग डोंगी से नीचे उतरने लग जाता है, पर तभी उसे कमल के फूलों की खुशबू आने लग जाती है और वो जहां पर था वहीं पर रुक जाता है। धीरे धीरे कमल के फूलों की खुशबू पड़ने लग गई थी और सीधे युग के नथनों में घुसने लग गई थी। कमल के फूल की खुशबू यामिनी के पास से आ रही थी। युग खुशबू को सूंघते हुए यामिनी के पास जाने लग जाता है। यामिनी घबराते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो बाबू, हमारे करीब क्यों आ रहे हो इतना? युग यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। कमल के फूलों के खुशबू में युग इतना मदहोश हो गया था कि उसको अपने आप पर कुछ काबू ही नहीं रहा था। कमल के फूलों की खुशबू में एक नशा सा था, ये खुशबू यामिनी के बदन में से ही आ रही थी। युग यामिनी के बहुत करीब चले जाता है
उतने ही करीब जितना फूल उसकी पत्तियों के रहता है, क्योंकि यामिनी के इतना करीब पहुंच गया था कि यदि एक कदम भी वो आगे बढ़ता तो उसके होंठ यामिनी के होंठ से टकरा जाते। युग वहीं पर रुक जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, ये खुशबू में। युग बार बार यही बड़बड़ाए जा रहा था। यामिनी युग की आंखों में देखने लग जाती है। युग यामिनी की आंखों में लगे काजल की गहराई में खो जाता है। यामिनी के बाल डोंगी में बैठने से पहले खुले हुए थे, पर पता नहीं कब उसने उन बालों का एक बड़ा सा जूड़ा बना लिया था। उन्हीं बालों में एक कमल का फूल लगा हुआ था। यामिनी वो फूल अपने बालों में से निकालते हुए युग को देते हुए कहती है, ये खुशबू इसमें से आ रही है। युग उस फूल को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तो इससे आ रही है वो खुशबू, पर यामिनी बालों में कौन कमल का फूल लगाता है? मैं लगाती हूँ ना बाबू, जिस तरह मुझे जुगनू पसंद है उसी तरह कमल के फूल भी बहुत पसंद है। युग कमल के फूल को अपने नाक के पास लाते हुए उसकी खुशबू सूंघते हुए कहता है, तुम भी ना यामिनी, पता नहीं तुम्हें क्या क्या पसंद है। यामिनी धीरे से कहती है, मुझे संभोग भी बहुत पसंद है बाबू। जैसे ही योग यामिनी के मुंह से बात सुनता है उसका सिर घूमने लग जाता है और वो चक्कर खाकर धड़ाम से डोंगी पर ही गिर जाता है। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर युग के दोस्त अभी भी उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम शुरू नहीं किया था। कायर, कछुआ और अभिमन्यु तीनों की नजरें शराब की बोतल पर गड़ी हुई थी। वो तीनों यही सोच रहे थे कि कब योग आएगा और कब उसे वो खोलेंगे। कायर ऊबते हुए कहता है, यार अब ना मुझसे एक पल भी सबर नहीं होता, मैं नहीं कर सकता युग का इंतजार। उसे आना होता ना तो वह आ चुका होता। मेरी बात मानो, वो वही उसके बड़े पापा के घर रुक गया होगा। हमें कार्यक्रम ना शुरू कर देना चाहिए। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार तू ठीक कहता है, अब मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो हम लोग मेरे घर में ही प्रोग्राम कर लेते। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तूने, तेरे घर? कछुए बोलने से पहले जरा सोच तो लिया कर कि क्या बोल रहा है। अगर तेरे घर में प्रोग्राम करते ना तो सारी शराब तो तेरी दादी ही पी जाती। याद है ना पिछली बार जितनी बॉटल हम तीनों ने मिलकर खाली नहीं की थी उतनी तो तेरी दादी ने अकेले कर दी थी। कछुआ शर्माते हुए कहता है, यार वो तो दादी है ना, वो भी अपने जमाने की शेरनी थी। तुम्हें नहीं पता मेरी दादी ने ना बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया है। दादी ने मुझे बताया था एक बार जब वो किश्नोई नदी पर गई थी तो उन्होंने वहां पर यक्षिणी को देखा था। कछुआ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, यार तूने तो अभी पी भी नहीं है और पीने के पहले ही फेंक रहा है। यार मैं फेंक नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं, दादी की कसम उन्होंने ही मुझे बताया था। जब कछुआ अपनी दादी की कसम खाता है तो कायर और अभिमन्यु दोनों को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि कछुआ अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, कभी उनकी झूठी कसम नहीं खा सकता था। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए कहता है, तो फिर यक्षिणी ने तेरी दादी को अपना शिकार नहीं बनाया? कैसे बनाती, दादी मर्द थोड़ी थी, यक्षिणी तो मर्दों को अपना शिकार बनाती थी ना, वो भी उनके साथ संभोग करके। कायर कछुए को देखते हुए कहता है, तो फिर यक्षिणी ने तेरी दादी को ऐसे ही कैसे जाने दिया, वो भी बिना कुछ करे? यार इसके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं, पर बस दादी ने मुझे ये बताया था कि उनका और यक्षिणी का एक बार आमना सामना हुआ जरूर था, वो भी किश्नोई नदी पर। अब दादी अभी तक जिंदा है तो जाहिर सी बात है यक्षिणी ने उन्हें जाने दिया होगा। अभिमन्यु खुश होते हुए कहता है, यार मैं नहीं कहता था, यक्षिणी ना अच्छी औरत है, देख ये उसकी अच्छाई का सबूत है, तभी तो उसने ये कछुए की दादी को जाने दिया ना। कायर अभिमन्यु की बात से डिसएग्री करते हुए बोलता है, मैं नहीं मानता तेरी बात, मान ले अगर यक्षिणी अच्छी है भी तो तू ही बताना कि वो मर्दों को अपना शिकार क्यों बनाया करती है। यार अभिशाप के कारण, अब कितनी बार बताऊं, उसे एक अभिशाप मिला था जिसके कारण वो बुरी बन गई थी। अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कछुआ डरते हुए कहता है, यार इतनी रात में कौन आया होगा? कायर बेफिक्र होकर कहता है, लगता है युग आ गया, तुम लोग अब कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी करो,
पैक बनाओ, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। इतना कहकर कायर अपनी जगह पर खड़ा होता है और दरवाजा खोलने लग जाता है। कछुआ शराब की और अभिमन्यु बिस्लेरी की बोतल का ढक्कन खोलने लग जाते हैं। जब कायर दरवाजा खोलता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मंत्र मुग्ध अवस्था में खड़े हो जाता है। अभिमन्यु के पीछे से आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ कायर, तू दरवाजे पर क्यों खड़ा हो गया, जल्दी अंदर आना युग को लेकर। कायर कुछ जवाब नहीं देता, वो तो चिर अवस्था में खड़ा हुआ था। जब कायर 5 मिनट तक कुछ जवाब नहीं देता तो अभिमन्यु और कछुआ दोनों उसके पास जाने लग जाते हैं। दरवाजे के पास आकर उन दोनों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। कछुआ घबराते हुए अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहता है, यार वो देख सामने। जब अभिमन्यु और कायर सामने की ओर अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कई सारे जुगनुओं के झुंड थे जो जगमग जगमग जगमगा रहे थे। उन जुगनुओं ने अलग ही रोशनी कर दी थी जिस कारण लग ही नहीं रहा था कि बाहर रात थी। पीली रोशनी से ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास का सारा इलाका जगमगा गया था। कायर अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, ये इतने सारे जुगनू कहां से आ गए। कछुआ उन जुगनुओं को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, पता नहीं यार, और वो भी बारिश में, मैंने आज तक इतने सारे जुगनुओं को कभी नहीं देखा था यार। मैंने भी यार, पहले वो किश्नोई नदी पर मरे हुए कौओं का मिलना और अब ये इतने सारे जुगनू, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सब किसी चीज के संकेत हो, कोई बुरी घटना घटने के पहले के। अभिमन्यु कछुआ और कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, कैसे दोस्त हो वे तुम दोनों, यहाँ पर युग बेहोश पड़ा हुआ है और तुम दोनों को जुगनुओं की पड़ी है। कायर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए कहता है, सॉरी यार, वो जुगनुओं को देखकर भूल गए थे हम दोनों, युग को अभी अंदर ले चलते हैं। इतना कहकर कायर, अभिमन्यु और कछुआ मिलकर युग को कोठी के अंदर ले जाते हैं और सोफे के ऊपर सुला देते हैं। कायर युग के गाल थपथपाते हुए कहता है, युग, ओ युग, उठ यार, उठ जा भाई, कछुए पानी दे जरा, हो सकता है पानी डालने से होश में आ जाए। कछुआ युग के शरीर को ऊपर से लेके नीचे तक अच्छे से देखते हुए कहता है, यार ये पूरा पानी से भीगा हुआ है और तू कह रहा है पानी ला कर दे, मुझे नहीं लगता पानी डालने से कुछ होने वाला है। यार तू दे तो, मैंने अक्सर देखा है फिल्मों में जब भी कोई बेहोश होता है तो उसके ऊपर पानी डालने से वो भी होश में आ जाता है। यार वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार तू दे तो, मुंह मत चला ज्यादा, फिल्मों में और किस्से कहानियों में जो चीजें दिखाई जाती है वो कभी कभी सच भी होती है, भूल मत, कहानियों और फिल्मों को हमारी असली जिंदगी में से ही लिया जाता है। कायर की बातें सुनकर कछुआ समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कायर युग के चेहरे पर पानी डालकर ही रहेगा, इसलिए कछुआ ना चाहते हुए भी पानी की बोतल उठाने लग जाता है। सोफे के पास ही कुछ शराब और पानी की बोतल रखी हुई थी जिनसे कुछ देर पहले वो तीनों मिलकर पैक बनाने वाले थे। कछुआ बिना नीचे देखे ही उनमें से एक बोतल उठा लेता है और वो पूरी की पूरी बोतल युग के चेहरे पर उड़ेल देता है। जब बोतल का पानी युग के चेहरे पर गिरता है तो कछुआ देखता है कि वो पानी नहीं बल्कि शराब थी जो उसने युग के चेहरे पर पलट दी थी। कायर मुंह फाड़ते हुए कहता है, कछुए ये क्या किया तूने, तुझे पानी डालने को बोला था ना, तूने शराब क्यों डाल दी उसके चेहरे पर। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, सॉरी यार, गलती से हो गया, मैंने देखा नहीं था। क्या कहा, गलती से, तू ना सारे काम बिगाड़। कायर अपनी पूरी बात करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे टोकते हुए कहता है, यार चुप बैठो थोड़ी देर, लगता है युग को होश आ रहा है, देखो उसकी उंगलियां मूवमेंट कर रही है। युग ने अपने हाथ की उंगलियां हिलाना शुरू कर दिया था। अगले ही पल धीरे से युग अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही युग अपनी आंखें खोलता है अभिमन्यु बौखलाहट के साथ पूछता है, युग तू ठीक तो है ना। युग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, हाँ ठीक तो हूँ, बस सिर भारी लग रहा है। अभिमन्यु अगला कोई सवाल पूछ पाता उससे पहले ही कायर युग पर अपना सवाल ताक देता है,
योग, एक बात बता, तो दरवाजा खटखटाने के बाद बेहोश हुआ या उससे पहले? योग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बोल पड़ता है। अबे कैसे सवाल पूछ रहा है कायर, जाहिर सी बात है ना, दरवाजा खटखटाने के बाद ही बेहोश हुआ होगा। कोई भूत थोड़ी ना दरवाजा खटखटाकर भाग जाएगा यार। क्यों योग, मैंने सही कहा ना, तू दरवाजा खटखटाकर बेहोश हो गया था ना। ये सब छोड़ और ये बता, तू बेहोश कैसे हो गया था? योग अपने सिर पर दबाव बनाते हुए बड़बड़ाते हुए कहता है, मैं बेहोश कैसे हुआ? वो लड़की। अभिमन्यु अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तो किस लड़की की बात कर रहा है योग? वही यार जिसने मुझे नदी पार करवाई थी, वो लड़की कमल का फूल, कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, ये लड़की तक तो ठीक था, पर अब बीच में कमल का फूल कहां से आ गया? गुलाब का होता तो चल भी जाता, क्योंकि लड़कियों को गुलाब के ही फूल दिए जाते हैं, पर कमल का फूल? कायर हैरानी के साथ पूछता है, तो किस लड़की की बात कर रहा है योग? यार मुझे ना रोंग कामुचा घाट पर एक लड़की, योग ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसे शराब की गंध आने लग जाती है। वो अपने कपड़ों की गंध लेते हुए कहता है, ये मेरे कपड़ों में से शराब की बदबू क्यों आ रही है? कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार सॉरी यार, वो तू बेहोश हो गया था ना, तो पानी डालने के चक्कर में मैंने गलती से तेरे ऊपर शराब डाल दी। योग इस बात पर कुछ रिएक्शन देता उससे पहले ही अभिमन्यु योग से पूछता है, योग तू इतनी रात में क्यों आया? तुझे नदी पार करने की क्या जरूरत थी? देखा नहीं बाहर कितनी जोरदार बारिश हो रही है? यार कुछ नहीं, वो पुरानी बात, बचपन में पहले पापा का बड़े पापा के साथ झगड़ा होता था, और अब मेरा, उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया, इसलिए यहाँ पर आ गया। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मूड खराब कर दिया? पर कैसे और किस बात पर झगड़ा हो गया तेरा आते से ही उनके साथ? योग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार अभिमन्यु, अभी ना मेरा ना किसी सवाल का जवाब देने का मन नहीं कर रहा है, मेरा बहुत सिर दुख रहा है, मैं कल सुबह सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, तू जा पहले कपड़े चेंज कर ले और फिर सो जाना, हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। योग अपनी जगह से उठता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, लगता है आज मुझे अकेले ही यक्षिणी का पता लगाना पड़ेगा। युग के वहां से जाते ही कछुआ कहता है, यार अब तो युग भी आ गया, आकर अपने कमरे में भी चले गया सोने, अब हम लोग कार्यक्रम शुरू करें। कायर शराब की बोतल उठाते हुए कहता है, हाँ करते हैं शुरू, वैसे भी एक बोतल से तो तू पहले युग के चेहरे को पीला कर चुका है। कुछ ही देर में शराब के कई पैग बनते हैं और वो सारे पैग कायर, अभिमन्यु और कछुए के शरीर के अंदर उतर जाते हैं। थोड़ी देर में तीनों नशे में धुत हो जाते हैं। कायर और कछुए को सबसे ज्यादा चढ़ी थी, पर अभिमन्यु ने लिमिट में पी थी, क्योंकि उसे पता था आज रात उसे एक बहुत जरूरी काम को अंजाम देना था, वो भी अकेले। कायर पैग पीते हुए कहता है, तो अर्ज किया है? कछुआ झट से कायर को रोकते हुए नशे में कहता है, दो मिनट, एक बात बता, ये तो जरा भी शराब पी लेता तो तेरे अंदर का शायर क्यों जाग जाता है? कायर भी नशे में कहता है, तू नहीं समझेगा कछुआ, ये शराब चीज ही ऐसी है, अंदर जाती है तो सारे गम बाहर निकाल देती है। यार मेरे अंदर के तो गम निकालती नहीं, बस जब भी अंदर जाती है तो बहुत सारा सूसू बाहर निकालती है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लग जाता है। कायर कहता है, क्योंकि तेरे अंदर गम है ही नहीं कछुए, गम क्या, तेरे अंदर तो सारी फीलिंग्स ही नहीं है, तो हम शायर लेखक कवि लोगों को नहीं समझ सकता, हमारे अंदर ना बहुत गम होता है, इतना गम कि सागर का पानी भी ना उसके आगे कम लगे।
हम लोगों को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिलता, पर अपनी शायरी कहानी के जरिए हम लोगों को प्यार करना सिखाते रहते हैं, उन्हें प्यार की कदर करना सिखाते रहते हैं। हमारी जिंदगी खुद गमों से भरी रहती है, पर हम लोगों के गम भुलाने के लिए लिखते रहते हैं ताकि उन्हें सुकून के दो पल मिले उस शब्द पढ़कर। समझा? अभिमन्यु एक और पैक बनाता है और कायर को देते हुए कहता है, यार कायर तू ये सब छोड़ ना और शायरी सुना ना जो सुनाने वाला था। कायर एक ही बार में वो पूरा पैक गटक जाता है और बहकते हुए कहता है, हाँ तो अर्ज किया है, ऊपर वाले को पता था ये दुनिया बड़ी खराब है, इसीलिए उसने हम जैसों के लिए बनाई शराब है। अभिमन्यु दांत देते हुए कहता है, वाह वाह। कायर आगे कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु आगे का जुमला करते हुए कहता है, जिंदगी के बाद मौत, मौत के बाद जिंदगी है, यही सारे राज जानने के लिए हम सब बेताब है। कछुआ मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ये राज की बात किसी को बताना मत, मैंने डर के मारे अपनी पैंट पर कर दी पेशाब है। कछुए की बात सुनकर अभिमन्यु और कायर अपनी नाक बंद करने लग जाते हैं। कुछ ही देर बाद कायर और कछुआ नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि अपनी सुध-बुध खोकर जमीन पर ही सो जाते हैं, पर अभिमन्यु अभी तक जाग रहा था। आखिर इसी पल का तो वह इंतजार कर रहा था कि कब सब लोग सोए, कब कोठी में शांति हो और वो कब यक्षिणी का पता लगाए। अभिमन्यु बिना किसी हरकत के आराम से अपनी जगह पर से उठता है और अपनी पैंट की जेब में से इंफ्रारेड थर्मामीटर निकालता है। इंफ्रारेड थर्मामीटर मोबाइल के आकार का दिखने वाला एक डिवाइस होता है जो बताता है कि तापमान में परिवर्तन किस साइड से हो रहा है, कमरे के अंदर से, बाहर से या किसी और साइड से। ऐसा कहा जाता है कि जहां पर भी अदृश्य शक्तियां होती है वहां का टेम्परेचर कभी भी अपने आप चेंज होते रहता है। इसी तथ्य के आधार पर आज अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर यक्षिणी है या नहीं इसका पता लगाने वाला था। अभिमन्यु इंफ्रारेड थर्मामीटर को ऑन कर देता है, उसके अंदर लाल इंडिकेटर लाइट जलने लग जाती है। जब अभिमन्यु के इंफ्रारेड थर्मामीटर के डिस्प्ले पर नजर पड़ती है तो वो देखता है कि टेम्परेचर 44 डिग्री था। अभिमन्यु हैरान होते हुए खुद से कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है, बाहर तो बारिश हो रही है, इस वजह से मौसम ठंडा होना चाहिए, इतना ज्यादा टेम्परेचर कैसे हो सकता है, लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। एक काम करता हूँ, बाहर का टेम्परेचर चेक करके देखता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाने लग जाता है। जैसे जैसे वो अपने कदम दरवाजे की ओर बढ़ाते जा रहा था उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंदे आती जा रही थी, वो पसीने के कारण भीगने लग गया था। जब अभिमन्यु दरवाजा खोलता है और अपना इंफ्रारेड थर्मामीटर दरवाजे के बाहर निकालकर बाहर का टेम्परेचर नोट करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाहर का टेम्परेचर 28 डिग्री था। अभिमन्यु अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है अंदर और बाहर के टेम्परेचर में, इसका मतलब ये है कि यक्षिणी कहीं नहीं गई है, वो इसी ग्रेवयार्ड कोठी में है, इस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर है। इतना कहकर अभिमन्यु घूंट गले से नीचे उतारता है। अभिमन्यु झट से दरवाजा बंद कर देता है और ये पता करने की कोशिश करने लग जाता है कि अगर यक्षिणी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है तो कहां पर है। अभिमन्यु अपना हाथ लंबा करता है और इंफ्रारेड थर्मामीटर को भी अपने लेफ्ट राइट करने लग जाता है। जैसे ही अभिमन्यु अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है, हैरानी के साथ कहता है, ये क्या, टेम्परेचर एक कदम आगे बढ़ते ही कम कैसे हो गया।